These sound good, students. Can you hear me, please? Should we start? Okay, thank you very much. इसमें एक स्टूडेंट ने पूछा है बुक्स के हवाले से कि कहाँ से तैयार करनी चाहिए। ये उसमें जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी, बट स्टिल नॉट नेसेसरली कि अगर आप किसी भी बुक की बात करेंगे उसमें जो स्टैट्स होंगे वो 100% अपडेटेड होंगे। मेन उसमें जो है वो बेसिकली यू नीड टू हैव मोर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इवन यू कुड राइट बाय योरसेल्फ। बाकी जो चैप्टर्स हैं क्योंकि करंट अफेयर्स से ज्यादा रिलेटेड हैं, तो अगेन व्हाट एवर द डेटा यू हैव ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू यूज। ओके, बट स्टिल अगर आप वो कहेंगे इन टर्म ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो वो मेरा ख्याल है कि आप कोई भी बुक ले लें, उसमें वो आप चाहे नोवा की ले लें या उसमें जो मैंने बुक्स लास्ट टाइम आपके साथ शेयर की थी, वन देन यू कैन टेक इट। ओके, चलें। सोशल कंस्ट्रक्शन। अच्छा ये बताइए, चैप्टर स्टार्ट करना है सोशल कंस्ट्रक्शन जेंडर, जिसमें कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी। कुड यू इफ यू कुड हेल्प मी इन नोइंग दिस कि हमने ये चीजें कर ली थी या करनी थी। Whether have we started this chapter? I'm going to just run the slides, so you could guide me if you think so that we have not studied yet. नहीं, वो नबील तो वो मैं तो करवा ही दूंगा। वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये हमने पहले किया हुआ है या नहीं किया हुआ, बस ये मुझे बता दें प्लीज। ओके, अब यहाँ से करना है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ओके, सो दिस इज हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म, हाउ रोल्स आर गोइंग टू बी बिल्ट इन द हिस्ट्री। ओके, तो व्हाट इज नॉर्मली यू नो वेरी वेल, जेंडर स्टडी जो है, जेंडर स्टडी इज अ मोर रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ मेन वुमेन एज वेल एज ट्रांसजेंडर। ओके, टेक्निकली जब हम देखते हैं कि हाउ द रोल्स हैव बीन क्रिएटेड इन द हिस्ट्री, अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेल का जो रोल होगा वो एज अ ब्रेड विनर का होगा और फीमेल का जो रोल था वो एज अ होम मेकर का होगा, तो हम कहते हैं कि हर सोसाइटी में ये रोल्स की डिवीजन रही है। इसी तरह जब हम वेरियस ऑक्यूपेशंस की बात करते हैं तो उसमें जो डोमिनेंट रोल है वो हमेशा मेन को दिए गए हैं और जो सपोर्टिव और असिस्टिंग रोल है, केयरिंग रोल है, वो हमेशा वेमेन को दिए गए। हम कहते हैं कि इसमें हिस्ट्री में इसकी जो बिल्डिंग है वो किस तरह से हुई है। सो अगेन व्हेन एवर यू आर गोइंग टू टॉक ऑफ द हिस्ट्री, सो द फर्स्ट थिंग दैट इज डन विद एनी इंडिविजुअल व्हेन अ पर्सन कम्स टू दिस वर्ल्ड, द फर्स्ट थिंग इज डन इज दैट यू आर गोइंग टू असाइन एन आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल, कि जो भी बंदा जब दुनिया में आता है बच्चा, तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिटी देते हो। तो उस बच्चे को जब आप आइडेंटिटी देते हो तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी अटैच हो जाती हैं और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आप उस बच्चे को प्रोवाइड करते हो डिपेंडिंग ऑन द सेक्स, राइट। ओके, जब मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपॉर्चुनिटी भी उसको उस तरह से दोगे डिपेंडिंग ऑन द सेक्स, व्हाट डज इट मीन? Do you have an example for this? What does it mean? Maria, I don't think so. There will be any issue of internet on my part.
Is there any other student who is going to face the same issue? No, yeah, I was pretty sure that this is not issued. So Maria, I think you need to go for reconnection of your internet. Okay, yes, thank you very much. So I really appreciate the answer that was given by Anis as well as the answer that was given by Nabil. ठीक है. तो जो पहली चीज है, हम कहते हैं कि जो बच्चे के साथ होती है, आप उसको जो एक्सपेक्टेशंस की या अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो आप रोल्स को डिवाइड कर देते हो. इसी तरह है कि फॉर एग्जांपल बॉयज की हम बात करें तो यस, आप कहते हैं कि आप उनके जो टाइज होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनके जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर होंगे, उनका जो डेकोरेशन ऑफ रूम होगा वो डिफरेंट होगा. और इन टेक्निकली देखा जाए, सिंस यू आर नाउ वेरी मेच्योर इनफ एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव वेरी बेटर अपॉर्चुनिटीज, यू बिलोंगिंग टू गुड फैमिलीज एज वेल, बट नॉर्मली इवन व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ द सेलिब्रेशन, सो इन टिपिकल सोसाइटीज, इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटीज, सो यू कैन से दैट देयर इज अ मोर सेलिब्रेशन फॉर अ बॉय एज कम्पेयर टू अ गर्ल. एनीहाउ, हम कहते हैं कि वो उसको डिफरेंट तरीके से सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है. ठीक है, दीज आर द जस्ट एग्जाम्पल्स. Accordingly, you are going to teach child कि ये काम लड़कों के हैं, ये काम लड़कियों के हैं. Even आपको बताया जाता है कि since you are girl, so you have to dress up in a particular way. Since you are boy, so you have to dress up in a particular way. Again, even you can talk of the sitting patterns. ठीक है, कि वो boy का और होगा, female का और होगा. Okay, okay. उसमें जो अप्रोचेस हैं, जब हम कहते हैं कि हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म की हर हिस्ट्री में रोल्स की डिवीजन रही है, वो वेरी कर सकते हैं रोल की डिवीजन, बट स्टिल हम कहते हैं कि मेल और फीमेल के रोल की डिवीजन हर सोसाइटी में रही है. तो जब हम कहते हैं कि ये जो रोल की डिवीजन रही है थ्रू द हिस्ट्री, इसके पीछे रीजन क्या थी? तो नॉर्मली जब आप कहते हैं कि लड़कियां घर में रहेंगी या लड़के जो है वो बाहर के काम करेंगे, so there was an essentialist stance. Essentialist stance ये है कि जो आपकी characteristics हैं वो natural हैं. ठीक है, कि अगर हम कहते हैं कि female घर के काम करेंगे तो essentialist stance ये होगा कि क्योंकि लड़कियां delicate हैं biologically, तो नेचर ने उनको वीक बनाया है, इसलिए जो लेस हार्ड वर्किंग रोल होंगे वो फीमेल के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है, ओके. क्योंकि हम कहते हैं कि मेल की जो बॉडी है वो स्ट्रांग है, उनकी मस्कुलर बॉडी है, तो इसलिए जो फिजिकल वर्क है वो मेन को दिए जाएंगे. इनिशियली जो बायोलॉजिकल रोल्स थे या बायोलॉजिकल रीजंस थी, उनकी बेसिस पे इंडिविजुअल्स को अपॉर्चुनिटीज भी मिलती थी. दैट वाज एसेंशियल स्टांस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू वेरी मच नबील. ओके, अब ये जो एग्जिस्टिंग स्टांस था इसको नेगेट किया जो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म है या जो सोशल स्टैंड है. उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैव सेम पोटेंशियल्स, दे हैव सेम स्ट्रेंथ, दे हैव सेम आईक्यू लेवल, बट दिस इज अ सोसाइटी दैट इज गोइंग टू मेक डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, कि ये लड़का है तो ये काम करेगा, ये लड़की है तो ये काम करेगी. तो जो सोशल कंस्ट्रक्शन साइंस है वो कहता है कि ये जो रोल्स हैं वो बायोलॉजिकल रीजंस के बेसिस पे नहीं है, ये रोल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन पर्सन, बेसिकली नॉट इन पर्सन बट इन ट्रांजैक्शंस. ठीक है, अब इन ट्रांजैक्शन का क्या होगा कि अगर हम कहते हैं कि जो अनीहा है, अनीहा व्हेन शी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, so that was her responsibility that Aniha has to get engaged in certain activities where she is going to prepare breakfast for her family members. Agar even ki Nabil sahab bhi subah jaldi uth gaye the, but again this was not primarily his responsibility that he needs to act as an assistant in preparing the breakfast or something like this. So, वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि नबील साहब जो हैं वो अच्छा जो है वो एग नहीं बना सकते या वो
जो है टोस्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो अनिहा जो है वो शायद उसमें ज्यादा एक्सपर्ट है, बट दिस इज समथिंग दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी कि हम उसको इसी तरह से ही अप्रिशिएट करेंगे। अगर अनिहा करेगी तो इट्स क्वाइट इट इज गोइंग टू गिव दिस इम्प्रेशन इट इज क्वाइट नॉर्मल। अगर नबील करेगा तो दैट वुड बी टू सम एक्सटेंट इट वुड बी एबनॉर्मल। तो क्योंकि जो सोसाइटी है वो मेन को डिस्करेज करती है टू गेट एंगेज्ड इन कुकिंग अफेयर्स, ड्यू टू व्हिच नॉर्मली दिस इज अ सोसाइटी एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट दैट मेन नीड्स टू गेट एंगेज्ड इन आउटडोर एक्टिविटीज। गॉट इट? उनका ख्याल था कि ये जो रोल्स हैं ये बायोलॉजिकल रीजंस की बेसिस पे नहीं है बल्कि ट्रांजैक्शंस कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी बेसिस पे हैं। अच्छा, ये हमने कर लिया था। दूसरा, बड़ी मेहरबानी, बड़ा जल्दी नहीं ख्याल आया आपको, तो फिर हम इस पे बहस क्यों कर रहे हैं? कम ऑन, कोई हाल नहीं है आपका। तो अगर कर लिया था तो क्यों टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं? पहले बहुत शुक्रिया, आपका ब्रेन वोकअप तो हुआ। अच्छा, आप हो गया अक्सा। अच्छा अक्सा, जब मैंने पहले पूछा था तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? कैन वी से एसेंशियल स्टांस ऑल अबाउट दैट? नो, कायनात, जब हम बात करते हैं ना इसकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की, हम ये कहते हैं कि स्टिल हमारे आज भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। हम ये कहते हैं कि जब उन प्रैक्टिसेस में हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते और हम हमेशा डिवाइडेड रोल्स की ही बात करते हैं, सो समटाइम वी आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज विद द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो ना कि फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि अच्छा जी, जो कायनात कुंडी है, अगर कायनात कुंडी मशवरा देगी तो वो गलत है, कायनात का भाई देगा तो हाँ उसकी लॉजिक ठीक होगी। तो हम कहते हैं कि दिस इज समथिंग दैट दैट डजंट एग्जिस्ट इन पर्सन, क्योंकि वो लड़की है तो अच्छा मशवरा नहीं दे सकेगी, या वो लड़का है तो अच्छा मशवरा दे सकेगा। ये इन पर्सन की वजह से नहीं है, ट्रांजेक्शन की वजह से है कि हमारी सोसाइटी ये समझती है कि यार लड़कियां अच्छा मशवरा नहीं देंगी। गॉट इट? कुड यू मूव अहेड ऑफ द एंड्रोजिनस थिंग्स? हाँ, कोई थेरी पढ़ना, सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, बहुत शुक्रिया युसरा। ओके, जब हम क्वेयर थ्योरी की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेयर? अलिशबा, यस, थैंक यू वेरी मच। ट्रांजैक्शन मींस एक्सपेक्टेशंस, दैट्स ट्रू। ठीक है, कि अलिशबा जो होगी, इफ अलिशबा इज गोइंग टू गिवन टास्क टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज, सो मे बी दैट वुड बी ऑब्लिगेटरी फॉर अलिशबा दैट शी हैज टू वियर दुपट्टा, ऑल्दो शी इज नॉट गोइंग टू टेक ऑन हेड, बट स्टिल शी इज गोइंग टू हैव अराउंड हर नेक। सो दिस इज समथिंग दैट इज इन ट्रांजैक्शन, सिंस शी इज अ फीमेल सो शी नीड्स टू कैरी दुपट्टा विद हरसेल्फ। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। जब हम क्वेर की बात करते हैं तो क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज। क्वेर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, ऑड, पिक्यूलियर, अनप्लेजेंट, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, तो ये सारे क्वेर के मीनिंग है। ओके, क्वेर थ्योरी क्यों आई थी? क्वेर थ्योरी जो आई थी इसके पीछे तीन रीजंस थी। ठीक है, जब हम क्वेर थ्योरी की बात करते हैं तो जो थ्री रीजंस थी कि क्वेर थ्योरी के आने की वजह, तो उससे पहले ये था कि जो आपके रिलेशंस थे, रिलेशंस मींस कि अच्छा ये बात ज़हन में रखें कि जो क्वेर थ्योरी है, क्वेर थ्योरी ज्यादातर जो हिट्रोसेक्सुअल नॉर्म है उससे रिलेटेड है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय हिट्रोसेक्सुअल नॉर्म? व्हाट डू यू मीन बाय हिट्रोसेक्सुअल नॉर्म्स? What is the meaning of, what do you mean by norm? Can you hear me? Oh, excellent, excellent. I appreciate it. So well done.
यस, नॉमिन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, ठीक है, एक्सेप्टेड बिहेवियर्स, वेल डन, एक्सीलेंट। और जब मैं हिट्रोसेक्सुअल नॉर्म्स की बात करता हूँ, सो व्हाट डू यू मीन बाय हिट्रोसेक्सुअल नॉर्म्स? हाँ ठीक है, नहीं है, वेल डन। व्हाट डू यू मीन बाय हिट्रोसेक्सुअल नॉर्म्स? यस अलिश्मा, दैट्स, जब हम हिट्रोसेक्सुअल नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग ऑफ अ मेन वेमेन सेक्सुअलिटी ओरिएंटेशन, मेल की फीमेल की तरफ और फीमेल की मेल की तरफ। डिफॉल्ट प्रेफरेंस एक्सलेंट, वेल डन। ओके, अब जो ये थेरी थी, अच्छा ये चैप्टर थोड़ा सा बहुत ब्लंट है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट यू कैन नॉट टेक दिस लेक्चर ऑन स्पीकर। ठीक है, होता है ना कि आप समटाइम फोन को स्पीकर पे करके बाकी काम कर रहे होते हैं, साथ आप सुनते रहते हैं, तो इट्स बेटर आप उसमें या तो जो एयरपॉड्स हैं या हैंड फ्री हैं वो आप यूज कर लें, दैट्स मोर अप्रोप्रिएट। ओके, तो जो हेटरोसेक्सुअलिटी थी उसको समझा जाता था कि दैट इज अ नॉर्मल सेक्सुअलिटी। क्वेर थेरी ने ये कहा, अब जब हेटरोसेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो दैट वाज क्वाइट कंसीडर नॉर्मल, कि यार ये एक बड़ा नॉर्मल है, एक नेचुरल है और एक मोर एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। ओके, और वो लोग जो होमोसेक्सुअल होते थे उनके बारे में कहा जाता था कि दिस इज ऑड, स्ट्रेंज, अबनॉर्मल, अनप्लेजेंट, ठीक है, वेर्ड, उस तरह के टर्म्स उनके लिए यूज होती थी। यस, तो जो कोई थेरी आई, कोई थेरी और इसके बारे में होमोफोबिया, इस पे ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है। ठीक है, होमोफोबिया क्या होता है? द फीलिंग व्हेन एवर यू आर गोइंग टू हैव अ फियर ऑफ बीइंग अटैच्ड विद द सेम सेक्स। ठीक है, कि आपको जो एक फियर एग्जिस्ट करता है बीइंग अ गे और बीइंग अ लेस्बियन, तो वो होमोफोबिया में आ जाएगा। ओके, क्योंकि उसको बुरा समझा जाता था तो वो होमोफोबिया था। ओके, तो क्वेर थेरी आई तो क्वेर थेरी के सामने तीन टास्क थे जो क्वेर थेरी ने उनको जो है नेगेट करने की कोशिश की। एक तो ये समझा जाता था कि ये जो हिट्रोसेक्सुअलिटी है, हिट्रोसेक्सुअलिटी इज अ नॉर्मल सेक्सुअलिटी, इन्होंने नेगेट किया कि जो हिट्रोसेक्सुअलिटी है दिस इज नॉट अ नॉर्मल सेक्सुअलिटी। अच्छा एक चीज ध्यान में रखें, सिंस इट इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट कॉन्टेक्स्ट, वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी इट डजेंट मीन दिस इज आवर पर्सनल, इट इज मोर रिलेटेड टू द पर्सनल चॉइसेस एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू एक्सपीरियंस। ओके, सो डोंट ट्राई टू गेट मोटिवेटेड फॉर दिस, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज दैट हाउ सेक्सुअलिटी इज गोइंग टू बी परसीव, हाउ इट इज गोइंग टू बी प्रमोटेड एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी प्रोपगेटेड इन द वेस्ट। So sometimes it is essential that you need to have a knowledge of your own surrounding, but it doesn't mean you are going to get agreed with everything. It doesn't mean that you need to get more motivated and you need to go for practicing for certain roles. Okay? So don't try to get influenced. It is just for the sake of academic discussion. तो एक जो चीज ये समझा जाता था कि हेटरोसेक्सुअलिटी इज अ नेचुरल सेक्सुअलिटी, इन्होंने कहा ये बात गलत है। और दूसरा ये समझा जाता था कि जो पेनिस है दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है। अब ये क्यों था वो हम बाद में पढ़ते हैं। जो थर्ड चीज ये समझी जाती थी कि जो हर सेक्स है उसकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्होंने कहा ये भी गलत है। ठीक है, अब हर सेक्स से क्या मुराद है, कि आप मेल की बात करते हैं फीमेल की बात करते हैं? आप ये कहें कि जो मेल हैं वो इंटेलिजेंट हैं, मेल ब्रेव हैं, आप कहें कि मेल रैशनल हैं, जो मेल हैं वो आप कहते हैं कि दे डोंट फील शाय या दे डोंट क्राई, ठीक है, और फीमेल आप कहते हैं कि वो बड़ी सेंसिटिव हैं, वो इमोशनल हैं, वो जो है डिपेंडेंट हैं। ये कहना कि हर सेक्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्होंने कहा ये भी कर लेते हैं। तो ये तीन इनके सामने चीजें थी, ये इनका स्कोप था, इनके रेडियस में, दीज वर द थ्री थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड एंड दे वर गोइंग टू बी नेगेटेड। हेटरोसेक्सुअलिटी
हेटरो सेक्सुअलिटी को नॉर्मल सेक्सुअलिटी कहना इन्होंने कहा ये गलत है, ये कहना कि हर सेक्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्होंने कहा ये गलत है, ये कहना कि जो पीनस है दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन्होंने कहा जो मेल जेनिटेलिया है इन्होंने कहा ये गलत है. इज इट ओके टू एवरीवन? ओके थैंक यू वेरी मच. ओके तो होता ये है कि इसका जो बैकग्राउंड था कि 1970s में जो ब्रिटिश गे लिबरेशन फ्रंट है वो रजिस्टर हो जाती है और उसके बारे में फिर जो है वो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि दैट इज अ ऑड, ठीक है, ये जो होमोफोबिया उसको प्रमोट किया जाता है कि ये चीज गलत हो रही है. तो फिर 1990s में ये टर्म जो थी ये यूज की जाती है कोई थेरी की, ठीक है, उससे पहले वर्ड एक कोएट था कि दिस इज ऑड. तो जब कोई थेरी आई एंड द टर्म दैट गॉट कॉइन्ड बाय थेरेसा डेल रोइटर्स एंड द टर्म गॉट ओरिजिनेटेड इन द ईयर ऑफ 1991 एंड बेसिकली व्हेन द टर्म कोई थेरी गॉट ओरिजिनेटेड सो द पर्पस वाज दिस इज नो मोर ऑड, दिस इज नो मोर अबनॉर्मल, दिस इज नो मोर स्ट्रेंज. ओके, और इनकी राइट्स की प्रमोशन के लिए फिर जो है एक जब हम कहते हैं कि क्वेर प्राइड फ्लैग दैट वाज डिजाइन एंड क्वेर प्राइड फ्लैग दैट वाज डिजाइन बाय गिल्बर्ट बेकर. ओके, हाउ मेनी कलर यू आर गोइंग टू नोटिस हियर इन दिस स्लाइड? सो क्वेर प्राइड फ्लैग दैट इज गोइंग टू गेट कंप्राइज ऑफ हाउ मेनी कलर्स? थैंक यू वेरी मच अनिहा. सो यू कैन से देर आर सिक्स कलर्स. वेल डन. सो व्हाट इज द फर्स्ट कलर? दिस इज अ रेड. ओके, सो रेड कलर इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? रेड कलर इज अ सिंबल ऑफ व्हाट? शाबाश, वेल डन. छा गई एक्स आप, आई रियली अप्रिशिएट. चले तो जिस तरह ये अक्सा ने फरमाया है यानी कि इसका मतलब है कि अगर अक्सा को 14 फेब को कोई रेड जो फ्लावर देगा तो इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज इन अ रिबेलियस मूड, राइट, दैट पर्सन इज इन कन्फ्रंटेशन एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू डिक्लेयर अ वॉर अगेंस्ट अगेंस्ट कुरैशी, राइट. तो रेड इज अ सिंबल ऑफ लव बाय द वे. ओके, जो इनका ये जब हम ऑरेंज की बात करते हैं तो ऑरेंज इज अ सिंबल ऑफ, ठीक है, जो ऑरेंज है दैट इज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट और जो येलो है दैट इज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीन इज अ सिंबल फॉर पीस, ठीक है, और यू कैन से टॉलरेशन, ठीक है, और जो ब्लू है या इनमें इसका मतलब है इक्वालिटी, ठीक है, और जो इसमें वॉलेट है, वॉलेट जो है वो है कि आपका जो अगर हम उसको करें तो ये उस प्राइड के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है. तो ये उनके जो कलर सिंबल्स थे स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी इन विच कॉन्टेक्स्ट से आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, स्पिरिट्स गुरुड नहीं आता ना, स्पिरिचुअलिटी है. ओके, लेट मी रिपीट फॉर यू. रेड इज अ सिंबल फॉर लव, ऑरेंज इज फॉर रिस्पेक्ट, येलो इज फॉर इंडिपेंडेंस, ग्रीन फॉर टॉलरेंस, ब्लू फॉर इक्वालिटी एंड वॉलेट कलर इज फॉर ब्राइड फॉर प्राइड. वॉलेट कलर इज फॉर प्राइड. गॉट इट? कि यानी कि होता है ना कि इससे पहले ये समझा जाता था कि ये होमोफोबी है तो वो कहते थे कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट, यू नीड टू ड्राइव मोर, यू नीड टू ड्राइव प्लेयर एंड यू नीड टू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर गे. तो उस कॉन्टेक्स्ट में था.
ठीक है यूसरा, लेकिन यहाँ पे हम तो इसमें देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जो उनका क्वीर प्राइड फ्लैग था, तो अगर उन्होंने मल्टी कलर यूज किए थे तो ईच कलर वाज इंडिकेटिंग ए स्पेसिफिक मैसेज, ठीक है? ओके थैंक यू वेरी मच। ओके, और इसमें जो कोर थियोरिस्ट थे वो कौन कौन थे? अगर हम बात करें तो हम कहते हैं माइकल फोकॉल्ट है, गेल रूबिन है, कुसोवस्काया है और जूडिथ बटलर है। सो दीज आर द कोर थियोरिस्ट। तो क्योर थ्योरी का जो स्कोप है इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तीन चीजें थी जिनको इन्होंने हैंडल करना था। अब रीजन ये थी कि ये समझा जाता था कि जो इंडिविजुअल है, व्हेन अ पर्सन कम्स टू दिस वर्ल्ड, दैट पर्सन वुड बी गिवन आइडेंटिटी एज अ मेल, दैट पर्सन इज गोइंग टू आइडेंटिटी एज अ फीमेल, सो दैट इज गोइंग टू गेट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड व्हेन अ सर्टेन बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वर अटैच्ड, सो इंडिविजुअल वर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द एक्सपेक्टेशन दैट इज अटैच विद दैट बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। And if you behave according to the given identity at a birth, you are going to be considered as a normal individual. ठीक है? And again, since you are a female, so it is going to be expected that being a female, you need to take interest in a male. So being a female, you cannot take interest in a female. And if you take interest in a male, it is quite normal. And again, that is acceptable. तो कोई थ्योरी ने ये कहा कि ये जो आइडेंटिटी है, जो कि आप ये कहते हैं कि मेल फीमेल की जो अट्रैक्शन होगी, लिश्बा, सो कैन वी से एम ऑफ कोई थेरी वाज टू एंड होमोफोबिया? यस दैट्स ट्रू, दे वर गोइंग टू एंड होमोफोबिया एंड दे वर गोइंग टू टॉक ऑफ मोर फ्रीडम इन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सो जनरली इट वाज गोइंग टू बिलीव दैट हेटरोसेक्सुअलिटी इज अ नॉर्मल सेक्सुअलिटी। So queer theory was going to prove it with their own argumentation that heterosexuality is not a normal sexuality. So sexuality is something that is going to get desired by individuals by themselves. So this is something that we are going to teach and we are going to promote and we are going to pressurize individuals to behave in this way. And if individuals are going to left open, so definitely they're going to adopt and they're going to get attracted by the other sexualities as well. ओके, इन्होंने ये कहा कि ये जो सेक्सुअलिटी है वो आपकी, सॉरी मेरे स्लाइड्स नहीं है, अब मैं उसके हम पढ़ते हैं। टेनेट्स, टेनेट्स मींस व्हाट डू यू मीन बाय टेनेट्स ऑफ कोई थ्योरी? टेनेट्स का क्या मतलब होता है? टेनेट्स मींस पॉइंट्स, नॉट रियली। यस, पास्टुलेट्स, दैट्स ट्रू। ठीक है, उनके जो की प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं? ओके, तो जो कोई थेरी है, कोई थेरी चैलेंज करती है हिट्रोनॉर्मेटिविटी को एंड एग्जामिन हो इट इम्पैक्ट्स मार्जिनलाइज सेक्सुअल्स एंड जेंडर आइडेंटिटीज। ठीक है, ओके, तो क्योंकि ये जो हिट्रोनॉर्मेटिविटी, हिट्रोनॉर्मेटिविटी मीन्स दैट द नॉर्मल बिहेवियर टू गेट अट्रैक्टेड विद अपोजिट सेक्स, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो हेटरोसेक्सुअलिटी है ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हेटरोसेक्सुअलिटी होगी और वो लोग जो होमोसेक्सुअल होंगे फिर वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि आप तो हेटरोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल मानते हो, तो जो मार्जिनलाइज सेक्सुअल आइडेंटिटीज हैं दे वुड बी कंप्रोमाइज्ड, और जो मार्जिनलाइज सेक्सुअल आइडेंटिटीज हैं दे वुड नॉट बी गिवन रेस्पेक्ट। उनका ये ख्याल था कि जो सेक्सुअल बिहेवियर है, सेक्सुअल बिहेवियर में जो हेटरोनॉर्मेटिव सेक्सुअलिटी है दैट इज नॉट द ओनली सेक्सुअलिटी। अब उसकी रीजंस क्या थी? उसकी रीजंस ये थी कि ये कहते हैं, इन्होंने ये कहा कि ये सोसाइटी है जो आपको बताती है ये नॉर्मल है, ये नेचुरल है या ये यूएल है। अब अगेन कि ये बेसिकली दो की पिक्चर है, जो ओरिजिनल पिक्चर है मेल के साथ फीमेल है, तो इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ नेचुरल पोज, ऑन द अदर साइड अ फीमेल वाज आल्सो स्टैंडिंग इन अ नेचुरल पोज, तो ये सोसाइटी है जो मेल के तो नेचुरल पोज को एक्सेप्ट कर लेती है बट फीमेल के नेचुरल पोज को एक्सेप्ट नहीं करती, कि वो यानी कि ये जो है इट इज डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन इफ आई एम गोइंग टू
if I'm going to share this picture of this gentleman. Do you have any objection? No. Okay. And if the same, for example, if the girl that was standing with this gentleman, if I was going to share that picture, so it might be inconvenient for you that that is not appropriate slide. It needs to be skipped, or there's no need for this picture. So again, they were of the view that if a male's body could be reflected in a natural way, it is not going to create any panic in society. But on the other hand, if a female body is going to be shown in a natural way, that comes under immorality. So this is a society that is going to make your mind what is good, what is bad, what is acceptable, what is unacceptable. So again, this is a society that is going to promote that heterosexuality is a normal sexuality, and they are going to oppose a homosexual. Are you getting my point? Is it clear? Okay, thank you very much. Okay, इनका जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि जो असेंशियलिस्ट व्यू है, ठीक है, उसको इन्होंने कहा कि वो गलत है. असेंशियलिस्ट क्या था? असेंशियलिस्ट ये था कि अगर आप कहते हैं कि लड़का लड़की में अट्रैक्ट होता है, तो ये कहा जाता था कि ये नेचुरल है, ठीक है, कि ये मेल जो होगा वो फीमेल की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, या फीमेल जो होगी वो मेल की तरफ ही अट्रैक्ट होती है. उन्होंने कहा कि ये जो अपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन है, उसको बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के साथ लिंक करना, इन्होंने कहा ये भी गलत है. क्यों गलत है? जो ये सपोर्ट कर रहे थे कि ये क्यों गलत है, एक तो माइकल फुकॉल्ट ने ये कहा कि ये जो बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस है सेक्सुअलिटी की, ओके, अब रीजन ये थी कि जो सेक्सुअलिटी थी, ठीक है, कि हम क्यों कहते हैं कि जो मेल फीमेल अट्रैक्शन है दैट इज क्वाइट नॉर्मल, उसकी जो एक रीजन थी वो ये समझा जाता था कि जो पोटेंशियल सोर्स ऑफ प्लेयर है, पोटेंशियल सोर्स ऑफ प्लेयर, इवन जो एड्रेनलिन रिच है वो उसको उस चीज को वो ज्यादा एलेबोरेट करती है, कि वो कहती है कि ये कहा कहना कि पोटेंशियल सोर्स ऑफ प्लेयर जो है वो हिट्रोसेक्सुअलिटी में है, और हिट्रोसेक्सुअलिटी क्योंकि पोटेंशियल सोर्स ऑफ प्लेयर उसमें है, तो दैट इज ए कंपल्सरी सेक्सुअलिटी, क्योंकि वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ प्लेयर है, सो दैट इज ए नेचुरल सेक्सुअलिटी. और उसमें स्पेशली जब हम हिट्रोसेक्सुअलिटी को कंपल्सरी सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, उसमें हम वो कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस है ऑर्गेजम वाया कोइटस दैट रिमेन्स मोर यूनिक, ठीक है, कोइटस. उन्होंने कहा कि वो जो चीज है दैट इज अ डिफरेंट, और दैट इज गोइंग टू मेक मेन मोर सुपीरियर, एंड दैट एक्सपीरियंस रिमेन्स मोर मैचलेस. इन्होंने कहा कि ये चीज गलत है. जब आप प्लेयर की बात करते हो, तो प्लेयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गेट डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल्स, और जो जो प्लेयर है दिस इज एब्स्ट्रैक्ट. देखो ना, जिस तरह हम लव की बात करते हैं, लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट. आप वो लव जो है वो नॉन नेसेसरली क्या कोई पर्टिकुलर एक्शन करेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि अच्छा जी कि ये बंदा उससे मोहब्बत करता है. तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट, एंड देयर आर द मेनी वेज थ्रू व्हिच यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर लव फॉर समवन, नॉट नेसेसरली दैट इट कुड बी रिफ्लेक्टेड इन अ पर्टिकुलर वे. सिमिलरली उन्होंने ये कहा कि ये जो प्लेयर की जब हम बात करते हैं, तो प्लेयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, और जो प्लेयर है वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अगेन, जब हम प्लेयर की बात करते हैं, तो नॉट नेसेसरली क्या आप ये कहो कि जो एक हेटरोसेक्सुअल है वो प्लेयर तो ज्यादा ड्राइव कर रहा है, और वो बंदा जो होमोसेक्सुअल है वो प्लेयर ड्राइव कम कर रहा है. समटाइम रादर देन यू आर होमोसेक्सुअल और हेटरोसेक्सुअल, इवन वेन एवर यू आर टॉकिंग ऑफ अ पोर्नोग्राफी, तो एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू ड्राइव प्लेयर. सो दिस इज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, हाउ दैट इंडिविजुअल इज गोइंग टू ड्राइव प्लेयर, सो इट कुडंट बी लिंक्ड विद द हिट्रोसेक्सुअलिटी, दैट दैट इज अ कंपल्सरी सेक्सुअलिटी एंड दैट इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्लेयर.
So let the individual decide how they are going to drive. Are you getting my point? Is it clear? Thank you very much, Alishwa. एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कहना कि हेटरोसेक्सुअलिटी जो है वो एक नेचुरल सेक्सुअलिटी है, ये गलत है. ठीक है, अब क्यों गलत है? इसको माइकल फकॉल्ट ने एक तो कॉन्ट्रैक्ट किया, फर्दर गेल रूबन ने कहा कि सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटिफिकेशन? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटिफिकेशन? एक्सेलेंट फातिमा, वेल डन. सो जब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन की, तो स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स डिविजन्स. उन्होंने कहा कि जिस तरह आपकी सोसाइटी में डिविजन है, ठीक है, अब डिविजन है, आप कहते हैं मेल की फीमेल की, आप कहते हैं कि एट द सेम टाइम आपकी जो डिविजन है वाइट की ब्लैक की, ठीक है, डे की नाइट की, नॉर्मल की अब नॉर्मल की, तो उस डिवीजन में आपने हायरार्की क्रिएट की हुई है. स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली होता है वर्टिकल डिवीजन, ठीक है, अपर क्लास मिडिल क्लास. तो जब आप अपर क्लास की बात करेंगे तो मिडिल क्लास उसके बराबर नहीं आएगी उस हायरार्की में. मिड अपर क्लास हमेशा टॉप पे जाती है और बॉटम पे मिडिल क्लास या लोअर क्लास आती है. उन्होंने कहा कि सिमिलरली जो आपके सेक्सुअल रोल्स हैं उनको भी स्ट्रेटिफाइड किया हुआ है, वर्टिकल डिवीजन की हुई है. तो अगर दोनों में से किसी एक को आपने ज्यादा वैल्यू दोगे तो व्हाट द चॉइस यू हैव, वेदर यू आर गोइंग टू गिव मोर प्रायोरिटी टू हेटरोसेक्सुअलिटी और होमोसेक्सुअलिटी. तो ऑल्दो अ पर्सन इज अ होमोसेक्सुअल बट स्टिल व्हेन एवर ही इज गोइंग टू डिस्क्लोज हिज अ पर्सनल प्रेफरेंस, सो सिंस द मोर वैल्यू इज गोइंग टू गेट अटैच विद द हेटरोसेक्सुअलिटी, सो द पर्सन हैज नो अदर चॉइस एक्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज अ हेटरोसेक्सुअल रादर देन होमोसेक्सुअल. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, थैंक यू वेरी मच. ओके, फिर जो इसमें माइकल फकॉल्ट है उसने ये कहा कि जब हम इसकी रजीम्स ऑफ सेक्सुअलिटी की बात करें, तो ये बताएं कि जो चीज नेचुरल होती है वो चेंज हो जाती है. What thing that is going to get changed with the passage of time, whether that is a natural role or the social constructed role? So it means natural roles they cannot get changed, and if something is going to get changed, so that would be socially constructed rather than natural. Got it? Thank you very much. Michael Foucault ने ये कहा कि ये जो regimes of sexuality हैं, उसने कहा कि उसमें भी changes हुई हैं. Initially क्या था? जब हम till 1940s की बात करते हैं. तो 1940s तक अगर हम बात करें कि कौन से जो सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, तो 1940s तक जो सेक्सुअल बिहेवियर एक्सेप्टेबल थे, ऑल द सेक्सुअल बिहेवियर्स वर एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट वन, दैट इज सॉडमी. यू नो सॉडमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉडमी? चलिए, अच्छा, सॉडमी होता है बेसिकली दैट इज द एनल सेक्स. ओके ओके, तो माइकल फकॉल ने कहा कि 1940 तक आपके जो सेक्सुअल बिहेवियर्स थे वो एक्सेप्टेबल थे एक्सेप्ट वन, दैट इज सॉडमी. ओके, कि जो सॉडमी है, दैट एनल सेक्स जो है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल. तो अगर सॉडमी अनएक्सेप्टेबल होगा तो जो आप कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो एक्सेप्टेबल होगा अनएक्सेप्टेबल होगा? एक्सेलेंट, वेल डन अलिश्मा, ठीक है, आई अप्रिशिएट. उसने कहा कि वो भी अनएक्सेप्टेबल होगा. अब होता क्या है कि उसने कहा कि ये जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं, ये सेक्सुअल बिहेवियर्स थे, ये 1940s तक मिडल ईस्ट में, आपके एशिया में, अफ्रीका में और यूरोपियन कंट्रीज में ये डिबेट थी. 1940s के बाद डिस्कशन में काफी चेंज आ जाता है
और आपकी जो रोल्स हैं उसको अंडरस्टूड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हिटरो वर्सेस होमो, कि इट मींस कि इनिशियली क्या था कि अगर आप सॉडमी कमिट करते हो तो सॉडमी कमिट करना जो है दैट वाज कंसीडर्ड अ क्राइम, इट मींस वो होमोसेक्सुअलिटी तो बैन होगी होगी या गलत समझी जाएगी जाएगी। इवन जो आप हिट्रोसेक्सुअल भी होंगे, मेल फीमेल सेक्स की जब हम बात करते हैं, तो एनल सेक्स उसमें भी अनएक्सेप्टेबल होगा क्योंकि सॉडमी उसमें अगर होती है तो। गॉट इट? तो जब आपने डिस्कशन कर ली होमो वर्सेस हिट्रो पे, इट मींस इफ यू से आई एम अ हिट्रोसेक्सुअल एंड ऑल्दो यू आर अ हिट्रोसेक्सुअल, सो इट मींस नो सॉडमी इज एक्सेप्टेबल विद द फीमेल। Initially, even that was unacceptable with the female as well. So this is how the regime of sexuality they're going to get changed. Are you getting my point? Is it complicated? Is it understood? Okay, thank you very much. I appreciate. Okay. उसने कहा कि ये जो रजीम्स ऑफ सेक्सुअलिटी हैं वो चेंज होते रहे हैं, तो जो चीज चेंज होती है वो नेचुरल नहीं होती, वो कल्चरल होती है। और अगर आज डिबेट होमो वर्सेस हिट्रो पे है तो कल डिबेट किसी और तरह से भी हो सकती है। इसलिए जो सेक्सुअलिटी है उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, तो जब फिक्स नहीं है तो फिर वो नेचुरल भी नहीं हो सकती। गॉट इट? नेक्स्ट। ओके और इस पे जो माइकल फुकॉल्ट है उसकी जो बुक थी द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, इसमें वो इस चीज को हाईलाइट करता है। ओके इनका जो थर्ड पॉइंट था क्वेर थ्योरी का, इन्होंने ये कहा कि ये जो जेंडर एंड सेक्सुअलिटी है ना तो वो फिक्स है ना वो एसेंशियल है, बट दे आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू रिपीटेड सोशल परफॉर्मेंस। जबकि आप उसको इंडिविजुअल्स को सोशलाइज करवाते हो कि यही ही नेचुरल है। मसलन अब देखें कि आप जो थे, अगर हम अपने आप को थोड़ा सा एक्सपीरियंस में इमेजिन करें कि इनिशियली क्या होता है कि आप लर्न करते हैं फ्रॉम योर फैमिली, ठीक है, कि जो लड़का है उसको लड़की में इंटरेस्ट लेना है या लड़की को लड़के में इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, इंटरेस्ट लेने से मुराद ये है कि ऑटोमेटिकली यू नीड टू गेट मैरिड विद द बॉय एंड बॉय इज गोइंग टू गेट मैरिड विद द गर्ल। ठीक है, बताया तो यही जाता है ना। ओके उसके बाद क्या होता है कि आप जब इंस्टीट्यूशंस में आते हैं तो इंस्टीट्यूशंस उस चीज को एंडोर्स करता है। ठीक है, कि इंस्टीट्यूशंस भी आपके जितने भी हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, वो भी आपको यही बताते हैं। इसके बाद जो आपका लिटरेचर है, लिटरेचर में भी आप यही पढ़ेंगे कि वो फलां प्रिंस जो था उसको फलां प्रिंसेस से प्यार हुआ, फिर इस तरह उनकी शादी होगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, या कोई भी जो होता है तो आप उसमें, या मूवीज की हम बात करें, ड्रामास की बात करें, तो उसमें भी आप उसको इस तरह से सोशलाइज करवाते हो। और जो इंडिविजुअल है, जो उसका डिफरेंट एक्सपोजर है, जहां से वो चीजों को देख सकता है, उसमें उसको यही कहा जाता है कि दिस इज अ नेचुरल, और उसी की बेसिस पे वो रिपीट करता है या आप वो इस रिपीटेड जो एक्सपीरियंस है उसको वो नोटिस कर रहा होता है। एंड व्हाट एवर यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व एंड यू आर गोइंग टू हैव रिपीटेड एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर गोइंग टू अज्यूम दैट दिस इज अ नेचुरल, बट अकॉर्डिंग टू क्वेर थ्योरी दिस इज नॉट अ नेचुरल बट दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द रिपीटेड परफॉर्मेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गॉट इट? ओके थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, जो क्वेर थ्योरी है ये रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो आइडेंटिटीज हैं और एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर शेप्ड बाय द मल्टीपल इंटरसेक्शन फैक्टर। रेस है, क्लास है, एबिलिटी है, नेशनैलिटी है, कि मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं, जो इंटरसेक्शनैलिटी है वो इन्वॉल्व होती है आपके इन जो रोल्स हैं उनको फ्रेम करने में। ओके और जो क्वेर थ्योरी है वो एम्फेसाइज करती है कि जो मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल कम्युनिटीज हैं टू रेजिस्ट एंड सर्व डोमिनेंट नॉर्म्स।
उनका ये ख्याल था कि क्योंकि सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है, सोसाइटी में वर्टिकल डिवीजन है, उन वर्टिकल डिवीजन्स की बेसिस पे आपके जो सर्टेन हेटरोसेक्सुअल रोल्स हैं, आपके जो सर्टेन सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वो एक्सेप्टेबल है, और वो कौन सी है, हेटरोसेक्सुअलिटी। और जो सर्टेन रोल्स हैं दे आर गोइंग टू बी कैप्ट ऑन द लो रैंक, और उनको जो है वो समझा जाता है लेस वैल्यूएबल। उनका ये ख्याल था कि जब तक आप उनको, अब जो सुपीरियर नॉर्म्स है, एक्सेप्टेबल नॉर्म्स है, और जो कि डोमिनेंट नॉर्म्स हैं, जब तक आप उनको रेजिस्ट नहीं करोगे तब तक आपकी जो से है उसको वेटेज नहीं मिलेगी। वो से फिर कैसे मिले, इन्होंने कहा कि दे शुड बी इंडिपेंडेंस इन सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन मींस सेक्सुअल परफॉर्मेंस या सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स रादर देन आइडियलाइजिंग हेटरोसेक्सुअलिटी, इंडिविजुअल्स दे नीड टू डेवलप देयर सेक्सुअल अट्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल प्रेफरेंसेस। अब रीजन क्या थी, इनका ये ख्याल था कोई थेरी का कि जो सेक्सुअलिटी है, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, उसका ताल्लुक किस चीज से है। वो ये समझते थे कि ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है या जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, इट इज अ मोर रिलेटेड विद इमोशंस। और जो इमोशंस हैं, वो जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर गोइंग टू हैव देयर इमोशंस ऑन द बेसिस ऑफ द ब्यूटी। और जो ब्यूटी है वो एब्स्ट्रैक्ट है, और ब्यूटी जो है वो हर जेंडर में एग्जिस्ट करता है। तो ये सोसाइटी है दैट इज गोइंग टू शेप योर आइडियोलॉजी, दैट इज गोइंग टू फ्रेम योर थिंकिंग, दैट बीइंग अ मैन यू नीड टू फाइंड ब्यूटी इन अपोजिट सेक्स, ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू आर गोइंग टू सपोर्ट द हेटरोसेक्सुअलिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट इनका पॉइंट था कि इन्होंने ये कहा कि ये जो सेक्सिज्म है, सेक्सिज्म मींस कि ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, इन्होंने ये कहा कि वो भी फिक्स नहीं है। अब नॉर्मली क्या था कि जो इंडिविजुअल्स थे उनको तीन तरह से डिवाइड किया जाता था, यानी कि आप ये कर लें कि जो सेक्स है उसको तीन तरह से डिवाइड किया जाता था। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, ठीक है। एक जो बात की जाती थी होस्टाइल सेक्सिज्म, ठीक है, एक है आपका होस्टाइल सेक्सिज्म, और दूसरा है आपका बेनेवोलेंट सेक्सिज्म, दूसरा है बेनेवोलेंट सेक्सिज्म, और एक है आपका अम्बिवेलेंट सेक्सिज्म। व्हाट इज होस्टाइल सेक्सिज्म? What is hostile sexism? No idea. चले, अक्सा hostile का क्या मतलब होता है? अगर हम कहेंगे अक्सा is very hostile, इसका मतलब आप बड़ी friendly है, बड़ी kind है? No, yes. So hostile means thank you very much, Hira. तो जब हम hostile की बात करते हैं, तो hostile means aggressive, ठीक है, unkind, okay. ओके और नॉर्मली जब आप अनकाइंड की बात करते हैं, यूसरा हॉस्टाइल एटीट्यूड और बिहेवियर टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन द जेंडर ऑफन इज अ क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस। बिहेवियर्स टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स की बजाय कर लें बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल्स बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स, ठीक है। आगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। ओके, तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं अग्रेसिव की या ये डोमिनेंट की, या हम बात करते हैं कि अनकाइंड की, तो वो हम किसको कहते हैं, मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो वो हम कहते हैं वो मेल है, ठीक है। ओके, इसी तरह जब हम बेनेवोलेंट की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेनेवोलेंट? बेनेवोलेंट मींस यस काइंड। तो वो हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं, नॉर्मली हम फीमेल के साथ एसोसिएट करते हैं। और जो थर्ड है दैट इज एम्बिवेलेंट। व्हाट मीन बाय एम्बिवेलेंट? एम्बिवेलेंट का क्या मतलब होगा? हैविंग बोथ क्वालिटीज, यस।
उन्होंने कहा कि ये कहना कि जो मेल है, कि अगेन जब हम कहते हैं कि जी जो कॉन्फ्लिक्ट है, कि ये समझा जाता था कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स में जो सेक्सुअलिटी में कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और उस कॉन्फ्लिक्ट को कंप्लीट करती है हिट्रोसेक्सुअलिटी। इन्होंने कहा कि ये भी गलत है कि जो फीमेल है, फीमेल भी अग्रेसिव है, फीमेल भी असर्टिव है, और नॉट नेसेसरली कि उनको कहें कि क्योंकि वो फीमेल है तो इसलिए वन काइंड है, वो सपोर्टिव है और वो फ्रेंडली है, सो दैट इज नॉट द केस। इन्होंने कहा कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो फिक्स नहीं है, यानी कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स को सेक्स के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इनका पॉइंट था, क्योंकि हमने स्कोप में भी ये पढ़ा था कि जो मेल जेनिटेलिया था, अगेन जब आप कहते हैं ना कि हेटरोसेक्सुअलिटी नॉर्मल सेक्सुअलिटी है, तो उसके पीछे एक लॉजिक थी कि सर्टन जो फिलोसफर्स थे वो इस चीज को अंडोर्स करते थे कि ये नेचुरल है। और क्यों नेचुरल है कि उसमें एक थ्योरी है सिगमंड फ्रॉयड की, ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉयड ये कहता है कि जो हिट्रोसेक्सुअलिटी है वो नेचुरल सेक्सुअलिटी है। अब रीजन क्या थी, आप में से किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है? हाउ मेनी ऑफ यू बेसिकली दो स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड एंड दे हैव द सम नॉलेज ऑफ सिगमंड फ्रॉयड थ्योरी? अच्छा, पर ठीक है कायनात, यस डेफिनेटली यू मस्ट हैव गॉन थ्रू इन योर लिटरेचर एज वेल, सो डेफिनेटली देयर वुड बी मेनी स्टूडेंट्स दे हैव गॉन थ्रू विद द सिगमंड फ्रॉयड थ्योरी एज वेल इन साइकोलॉजी और इन लिटरेचर एंड मेनी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। ओके, तो जो सिगमंड फ्रॉयड था ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट। सिगमंड फ्रॉयड कहता है कि हिट्रोसेक्सुअलिटी नॉर्मल सेक्सुअलिटी है। उसको जस्टिफाई कैसे करता है, वो कहता है कि जो बेबी है, बेबी में फ्रॉम द एज बिटवीन 3 to 6, कि ये जो 3 से 6 साल की उम्र होती है, उसमें जो बेबी है वो अपने जेनिटेलिया के बारे में अवेयरनेस लेता है अनकॉन्शियसली, ठीक है, कि बच्चा जो है वो अपने जेनिटेलिया के बारे में कॉन्शियसनेस अवेयरनेस ले लेता है। तो जब मेल जो है, जो फीमेल है, जब उसको अपने जेनिटेलिया की अवेयरनेस होती है, वो कहता है कि ये जो अवेयरनेस है ये अनकॉन्शियसली है। आपको पता ना कि इंसान में कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, और जो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो आपको सिखाई नहीं जाती, आप में एग्जिस्ट करती हैं, इनहेरिटेड होती हैं, इनबिल्ट होती हैं, और उस 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में से जो एक है वो आपकी सेक्स जो ओरिएंटेशन है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉयड के नजदीक जो फीमेल है, फीमेल बेबी, जब वो अपने जेनिटेलिया के बारे में अवेयरनेस लेती है, तो वो इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। उसके नजदीक, सिगमंड फ्रॉयड के नजदीक, कि फीमेल रियलाइज करती है अनकॉन्शियसली कि आई एम डिप्राइव्ड ऑफ पावर, कि मेरे पास पावर नहीं है। सिगमंड फ्रॉयड के नजदीक जो पावर है दैट इज एसोसिएटेड विद मेल जेनिटेलिया, दैट इज अ पेनिस। ओके, अब फीमेल जब इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है, सो देन शी इज गोइंग टू हैव अ डिजायर टू ओवरकम हर इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो फीमेल का जो इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, दो तरह से खत्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो इसको, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो कहता है सिगमंड फ्रॉयड कि ये जो फीमेल है, फिर दिस इज वन ऑफ द रीजन फीमेल बेबी इज गोइंग टू गेट अटैच्ड विद हर फादर, क्योंकि वो उसको जो अपनी इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करना चाहती है, बट दैट रिलेशन इज अ नोबल, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट है, तो फिर वो ये कहता है कि जो फीमेल है, फिर दो तरीके हैं जिससे उसका इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म होता है। एक तो खत्म होता है व्हेन शी इज गोइंग टू एक्सपीरियंस हेटरोसेक्सुअलिटी, ठीक है, तो ऑल दो शी रियलाइज दैट आई एम एंड शी अंडरस्टैंड दैट आई एम डिप्राइव्ड ऑफ पावर, बट अगेन शी वांट टू हैव एक्सेस टू पावर एंड दिस कुड ओनली बी पॉसिबल बीइंग हेटरोसेक्सुअल, एंड द अदर रीजन इज दैट हाउ शी कैन फील हरसेल्फ मोर पावरफुल व्हेन शी गिव्स अ बर्थ टू अ बेबी, स्पेशली अ मेल बेबी, एंड देन शी इज गोइंग टू रियलाइज साइकोलॉजिकली दैट ऑल दो आई वाज अ पावरलेस but have a given a birth to a baby who is a powerful because he is holding male genitalia penis. Got it? Is it clear?
ओके थैंक यू वेरी मच कहना। इन्होंने ये कहा कि ये जो रिलेशंस हैं उनको, जो मेल जेनिटेलिया है उसको एज ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाना और डिस्कशन करना ये बहुत गलत है, तो इसलिए वीनस इज नो मोर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, ये वही चीज है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि दे वन अप फील देमसेल्फ पावरफुल। नेक्स्ट जो पॉइंट है कोई थेरी का, ये कहते हैं ऑलवेज आस्क क्वेश्चन हु एम आई रियली, ठीक है। उनका ये था कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कि जो यूसरा है तो बेसिकली ट्रांस सॉरी ये ना मेरा चैट में प्रॉब्लम आ गई, वो इनिशियल मैसेज पे लेके जा रहे। चले अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सादिया जो है, सादिया को आपने एक आइडेंटिटी दे दी, आपने नबील को एक आइडेंटिटी दे दी, तो ये जो सादिया है या नबील है क्या इनको आइडेंटिटी इनकी मर्जी से मिली थी, क्या इन्होंने डिसाइड किया था कि हमें ये आइडेंटिटी चाहिए? तो कोई थेरी ये कहती है कि ये जो आइडेंटिटी है ये आपने नहीं रखी, नेचर भाई नबील साहब नेचर, ये तो बेसिकली पेरेंट्स है ना, या आपकी सोसाइटी है जो डिसाइड करती है कि अच्छा जी ये लड़का होएगा तो ये लड़की है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन क्राइटेरियन। वो भी हम आते हैं उस डिटेल पे। उन्होंने कहा कि ये जो आइडेंटिटी है ये ठीक नहीं है, तो जब आइडेंटिटी ठीक नहीं है तो उस आइडेंटिटी से रिलेटेड रोल फिर कैसे ठीक हो सकता है? इसलिए ये कहना कि आप लड़की हो तो इसलिए लड़के में इंटरेस्ट लेना, तो ये जो आपको जो बेस है जिसकी बेसिस पे आपको लड़की डिक्लेयर किया गया है वो भी गलत है। वो क्यों गलत है वो हम अगले टॉपिक में पढ़ते हैं कि सेक्स थ्योरी में। उनका ये ख्याल था कि ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ हु एम आई रॉयली, ठीक है, और जो आइडेंटिटीज हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए रोल भी चेंज होते रहते हैं, रोल फिक्स नहीं है। तो जब रोल फिक्स नहीं है तो फिर हेटरोसेक्सुअल फिक्स रोल क्यों है, उसमें चेंजेस क्यों नहीं आ रही? Are we all together? Okay, that's great. Next, जो इनका पॉइंट था कि इसमें ये कहते हैं कोई थेरी वाले कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सेक्सुअल बिहेवियर टू सेक्सुअल आइडेंटिटी, ठीक है, ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, ठीक है। सेक्सुअल आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? व्हाट मीन बाय सेक्सुअल आइडेंटिटी बाय द वे? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल आइडेंटिटी? एक्सलेंट लिशबा, वेल डन, ठीक है। तो जो ठीक है कि जो आइडेंटिटी आपको दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। अच्छा, अब ना दो तीन चीजें हैं, या तो ये बताएं कि ये काफी हद तक ओवरलैपिंग है विद अदर टॉपिक्स, तो मैं अभी आपको दूसरा टॉपिक पढ़ा दूं फिर उसके बाद मैं दोबारा कोई थ्योरी पे आ जाऊं, या पहले आप कोई थ्योरी कंप्लीट करके फिर उस टॉपिक पे चला जाऊं, क्योंकि ये जो सेक्सुअल आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं तो ये सेक्स थ्योरी से रिलेटेड है। So, what do you think? Which is the best strategy? अच्छा, complete कर लेते हैं। Okay, तो ये मैं फिर अभी बाद में जो है ना आपको समझ आ जाएगी कि ये sexual identity क्यों confusing है। उनका ये ख्याल था कि जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है वो बजाते खुद कंफ्यूजिंग है, ये मेल करना फीमेल कहना। और अगर हम सेक्सुअल बिहेवियर्स की बात करें, क्योंकि आपको लड़का कहा गया है तो इसलिए ये बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि आपको लड़की कहा गया है तो इसलिए ये रोल होना चाहिए। उनका ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सेक्सुअल बिहेवियर के ये भी वेग हैं और ये वेरी करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। नेक्स्ट,
सो देर इज अ मिसमैच अमंग सेक्स जेंडर एंड डिजायर, कि ये जो सेक्स है कि आप कहें कि आप लड़के हो, उसी की बेसिस पे ये कहना कि अब आप इस तरह के आपका गेटअप होगा, आपका ये अपेयरेंस होगा, आपकी ये एक्सपेक्टेशंस होंगी और आपकी क्या ओरिएंटेशन होगी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि एक लड़का यही चाहे कि वो एक लड़की में इंट्रैक्ट हो, एक लड़की एक लड़के में ही अट्रैक्ट हो। दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि यू आर मोर इंटरेस्टेड विद इन योर ओन सेक्स, गॉट इट? सो देयर इज अ मिसमैच अमंग सेक्स जेंडर एंड डिजायर। ओके, फिर जो कोई थ्योरी थी, ओके थैंक यू वेरी मच अलिश्मा, तो जो कोई थ्योरी थी इन्होंने डीकंस्ट्रक्ट किया बाइनरी कैटेगरीज को, कि इससे पहले क्या था कि इंडिविजुअल्स को दो समझा जाता था ना, एज अ मेल और एज अ फीमेल। इन्होंने ये कहा कि ये जो आइडेंटिटी है वो नॉन बाइनरी है, नॉन बाइनरी मींस मोर देन टू, आइडेंटिटी टू नहीं है। तो जब आइडेंटिटी ही मोर देन टू होगी तो रोल्स टू क्यों है, हेटरो वर्सेस होमो, तो फिर जो सेक्सुअल रोल्स हैं और जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं वो भी ज्यादा हो सकती हैं। नेक्स्ट, ओके, सो बेसिकली कोई थ्योरी इज एन अम्ब्रेला टर्म यूज्ड बाय द कम्युनिटी मेंबर्स, रिफर्स टू एनीवन हु इज आइडेंटिफाइड एज अ पार्ट ऑफ दिस एलजीबीटी कम्युनिटी। सो दिस क्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट, जो क्यू फ्लैग है, क्यू और प्राइड फ्लैग, उसमें रेड इज अ सिंबल ऑफ, red is a symbol of yes love, and orange is a symbol of respect, ठीक है, और green is a symbol of tolerance। आ गए जनाब आप तो, ये अच्छे बच्चे हैं यार, well done। yellow is a symbol of yes independence, or blue is a symbol of well done Tareem, and violet is a symbol of आ गया हो जनाब, ओके। तो ये एक अम्ब्रेला टर्म थी जिसने सबको इंक्लूड किया। ये बेसिकली वो है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेस्बियन, व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेक्सुअल, व्हाट डू यू मीन बाय गे, ठीक, तो ये सारा उसमें आ जाएगा। क्लियर? कैन आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके थैंक यू वेरी मच। इनका ये था कि जो इंडिविजुअल है वो काम करे जो उनको खुद अच्छे लगते हैं, सो दे हैव टू डिसाइड विद देमसेल्फ रादर देन गोइंग फॉर द डिक्टेशन बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ओके नेक्स्ट। जी यानी मैं दिखा देता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये अम्ब्रेला टर्म है जिसमें ये सबको इंक्लूड करके चलती है। This is umbrella term, ये सारे पॉइंट्स इसमें। क्लियर अनिया? ओके दैट्स गुड। ओके अब आ जाते हैं नई थ्योरी पे कि इस सेक्स सोशली डिटरमिन टू। अच्छा मेरा ख्याल है कि वैसे ना आप ब्रेक ना कर लें, 9 बजे ब्रेक करनी है। यू वांट टू टेक ब्रेक राइट नाउ और आफ्टर 15 मिनट्स? हाँ ठीक है, लेट्स हैव अ ब्रेक, आई एम आल्सो गोइंग टू हैव अ टी, तो इंशाल्लाह फिर करते हैं आफ्टर द ब्रेक। ओके ओके जी, थैंक्स।
जंक्शन विस्तार। एक सेकंड नोट कीजिएगा। ओके जब हम बात करते हैं कि इस सेक्स सोशली डिटरमाइंड टू, इसका मतलब ये होता है कि अच्छा जो मैंने पहले टॉपिक पढ़ाया था सेक्स वर्सेस जेंडर, आप उसको कैसे कंक्लूड करते हैं? सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है? What is the difference between sex and gender? Excellent, Alishma. Well done, Alishma. ठीक है। लेकिन यहां पे हम ये पढ़ते हैं कि सेक्स भी किसी हद तक सोशली डिटरमाइंड है रादर देन बायोलॉजिकल। ठीक है? ओके। तो जो अच्छा एक चीज ध्यान में रखें कि आपको जो डिफरेंट बुक्स में इसकी इंटरप्रिटेशन नजर आती है वो जस्ट वन एंगल है, और वो है इन टर्म ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी। लेकिन ये जो टर्म है इस सेक्स सोशली डिटरमाइंड टू, दिस इज ओपन एंडेड, सो दिस इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट। ठीक है? तो इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है। तो एक जो इंटरप्रिटेशन है कि इस सेक्स सोशली डिटरमाइंड टू इन टर्म ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी, पहले हम इसको देखते हैं। हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को सेक्स असाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है हम उसको जेंडर आइडेंटिटी देते हैं। ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द सेक्स। जब हम कहते हैं बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, तो आपको पता है ना कि जब हम किसी को मेल या फीमेल कहते हैं तो मेल और फीमेल में कितने बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, हाउ मेनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इंडिविजुअल फ्रॉम मेल टू फीमेल। हम कहते हैं कि इंडिविजुअल में 5 बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के जो हैं वो क्रोमोसोम्स, ठीक है, उसके अलावा उनके हार्मोन्स, ठीक है, उसके अलावा उनके जो है गुनेड्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और उसके अलावा जेनिटल्स, 1 2 3 4 5। ठीक है? तो ये 5 बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट्स हैं, और ये मेल में डिफरेंट होती हैं, फीमेल में डिफरेंट होती है। ओके, होता क्या है कि जो मेल है, मेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? वेल डन नबील। हम कहते हैं मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? शाबाश तरीन। तो हम कहते हैं कि फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। वेल डन। ओके ओके। तो आपको पता है कि जो फीमेल है उससे तो एक्स क्रोमोसोम्स ही आता है, ठीक है? तो वाई जो है वो क्रोमोसोम्स मेल की तरफ से आता है। अगर एक्स वाई हो तो वो बॉय है, एक्स एक्स हो तो वो गर्ल है। अब जब एक्स वाई है तो जो ये जो वाई क्रोमोसोम्स है इसके ऊपर एक जीन होता है जिसको SRY जीन भी बोलते हैं, ये सॉरी जीन भी बोलते हैं।
ठीक है। अब इस ये जो सॉरी जीन है जो कि वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर है, ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन डेवलप करता है, ठीक है, उसकी सेक्रेशन की तेज करता है, और जिसकी वजह से मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है। अब मेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि यू आर गोइंग टू हैव मस्कुलर बॉडी, यू आर गोइंग टू हैव अ हेयरी स्किन, एंड यू आर गोइंग टू हैव कोर्स वॉइस एंड रफ बॉडी, थिंग्स लाइक दिस, ठीक है। और जो फीमेल्स होती हैं उसमें क्योंकि सॉरी जीन नहीं होता जिसकी बेसिस पे उनमें ऑस्ट्रोजन की सेक्रेशन होती है और उसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसको फाइव थिंग्स की बजाय ना नबील आप कर लें फाइव बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, फाइव बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब समय क्या है कि क्वाइट पॉसिबल कि जो हम कहते हैं कि मेल में एक्स वाई है, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जीन म्यूटेशन का, ठीक है। तो ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि ये जो एक्स है, एक्स एक्स है, इस एक्स में जीन म्यूटेशन हो जाए और इसमें सॉरी जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाए जो कि अबनॉर्मेलिटी में है, ठीक है। ओके, और जिस बेसिस पे इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स वो उस सेक्स के अकॉर्डिंगली डेवलप नहीं हो पाती। तो ये जो मैंने कहा कि एक्स में वाई की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, इसको बोलते हैं फाइव अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर हम प्योरली बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स की बेसिस पे इंडिविजुअल्स को जज करें कि वो मेल है या फीमेल है, तो 50% इंडिविजुअल इस कैटेगरी से आउट हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जो मेल है उसकी स्किन हेरी होनी चाहिए, तो एक मेल जो उसकी स्किन हेरी ना हो तो क्या वो लड़का नहीं होगा? हम कहते हैं कि मेल की स्किन हेरी है, शाबाश सना, हम कहते हैं कि वो तो लड़का होगा। ओके, असली तौर पे क्योंकि जो हेरी स्किन है वो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है और वो तो मेल की होनी चाहिए, उसके बावजूद आप उसको लड़का ही डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। आप में से भी कुछ फीमेल्स ने वो एक्सपीरियंस किया होगा, या समटाइम आपने वो ओवरऑल आपने जो है ना वो समटाइम सुनते हैं कि यार ये लड़की लड़की नहीं है, ये पूरी लड़का है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला कि ये लड़की नहीं ये लड़का है? Have you got my question? नहीं अलिशबा, उसमें थोड़ा सा एलैबोरेट करें ना अलिशबा। व्हाट इज टॉम बॉय तरीम? आप में से मैं किसी कॉन्वेंट करूं? चलें तरीम मैं आपको कर देता हूं। मैं कॉज ऑफ हेयर, कॉज ऑफ हेयर स्टाइल, थोड़ा सा एलेबोरेट करें ना इसको लिशवा। मजाक में बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस से। अच्छा वैसे ये जो सना है, हेयर्स ऑन फेस थोड़े थोड़े, फिजिकल अपीयरेंस में क्या आएगा? मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि समटाइम होता है ना एक लड़का लड़की को कह रहा होता है यार तू तो पूरी लड़की है, समटाइम लड़की को कह रही होती है यार आप तो पूरा लड़का हो, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आप एक इंडिविजुअल को अपोजिट सेक्स के साथ अटैच कर रहे हो? उसको एक्सप्लेन करो ना कि अपीयरेंस ऑफ मेल में क्या आता है। फेशियल हेरी, वे ऑफ वॉक,
वे ऑफ टॉकिंग, यस सादिया राव, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, लड़के जब नाजुक बनते हैं या लड़कियों की तरह चलते हैं तो उनको कहा जाता है। ठीक, बियर्ड, हेयर, बॉडी, वे ऑफ टॉकिंग, ओके ठीक है। तो ऑल्दो कि यू डिसएग्री, लेकिन फिर भी उनकी आइडेंटिटी जो होती है वो लड़के या लड़की की होती है। अगर हम प्योरली इस क्राइटेरिया को देखें तो हम कहते हैं कि 50% इंडिविजुअल्स लड़की की कैटेगरी में नहीं आते जो वो आइडेंटिटी ओन करते हैं, और 50% फीमेल उस कैटेगरी में नहीं आती जिस आइडेंटिटी को वो ओन करती है, और 1% वो होते हैं जो इंटरसेक्स है कि ना वो मेल में है ना वो फीमेल में है। यहाँ पे उनका बायोलॉजिकल जो उनके जो जेनेटेलिया है वो कंफ्यूजिंग है। असली तौर पे देखा जाए इंडिविजुअल्स को आइडेंटिटी साइन करने में 5 बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, क्रोमोसोम्स, जेनिटल्स, गुनेड्स, हार्मोन, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इन 5ों में से जो आइडेंटिटी में जो प्राइमरी फैक्टर है वो किसका दिया जाता है? जो प्राइमरी फैक्टर है जिसके बेसिस पे इंडिविजुअल्स को आइडेंटिटी साइन होती है वो क्या है? एक्सेलेंट सना, वेल डन। तो मेन जो चीज है वो जेनिटल्स है, लेकिन जेनिटल्स जिस तरह बायोलॉजिकल हैं उसी तरह से हार्मोन्स या क्रोमोसोम्स भी तो बायोलॉजिकल हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो बायोलॉजिकल हैं, लेकिन समटाइम आप उन चीजों को इग्नोर करके सिर्फ एक चीज को वेट ही देते हैं, दैट इज जेनिटल्स। ओके, अब इसमें जो है हम कहते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, इस बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट जिस तरह हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में अगर एक लड़का लड़की की तरह भी चले तो क्या आप उसको लड़की समझते हैं? उसका नादरा में जो आइडेंटिटी होगी वो मेल वाली ही होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल्स को आइडेंटिटी मिलती है वो जेनिटल्स की बेस पे मिलती है। तो बाकी चीजें माइनर हो जाती हैं जब जेनिटल्स की बेसिस पे आइडेंटिटी असाइन होती है। ओके, अब ये बताएं कि फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में अली है, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, और एक हम कहते हैं अब्बास है, ठीक है, अली और अब्बास पाकिस्तान में शादी कर सकते हैं? पाकिस्तान में कौन से सेक्सुअल रोल एक्सेप्टेबल है? समटाइम्स गैदरिंग ऑल्सो इफेक्ट्स लाइक अ बॉय यूज टू स्टडी मच ऑफ द टाइम विद गर्ल्स व्हाइल अडॉप्ट सम ऑफ द बिहेवियर्स। नहीं, जो आपने कहा ना कायनात्स के समटाइम गैदरिंग आल्सो इफेक्ट्स बॉय स्टडी ऑफ मच टाइम विद गर्ल्स, अब डिपेंडिंग करता है कि वो लड़कियों के साथ पढ़ना क्यों चाहता है। तो खैर नहीं, हो मेरा नहीं ख्याल वैसे, लेकिन ऑब्वियसली आप सोशलाइजेशन का प्रोसेस एक से गुजरते हो, और ये भी डिपेंड करता है कि वो किस एज में फीमेल के साथ ज्यादा बैठता है, ठीक है। अगर वो मेच्योर एज में बैठेगा तो उसके इंटरेस्ट और होंगे और उसमें वो फीमेल से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा, अगर वो बचपन से होगा तो ऑटोमेटिकली शी ही इज गोइंग टू अडॉप्ट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो डिपेंड करता है कायनाज, ओके। तो हम कहते हैं कि जो मेल हैं कायनात, मैं अपन म्यूट करूं, ओके, एक्सेप्ट नहीं करते, चलो लीव इट। ओके, तो ये अब
बेसिकली अब हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह सेक्स भी हम कह सकते हैं सोशली डिटरमाइन होता है। तो हमने एग्जांपल दी थी पाकिस्तान में कौन सी सेक्सुअलिटी एक्सेप्टेबल है, हमने कहा हेटरोसेक्सुअलिटी। ओके, इट मींस कि जो अली है, अली किससे शादी कर सकता है? हमारी क्लास में कोई आलिया तो नहीं है? आई होप सो कि आलिया ना आई हो। कोई नहीं है। ओके, तो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ओके, ये इमेजिनेटिव नेम्स है, ठीक है। हम कहते हैं कि अली जो है वो शादी कर सकता है पाकिस्तान में आलिया से, तो ये क्वाइट एक्सेप्टेबल है क्योंकि जो दोनों हैं वो समझे जाएंगे कि ये जो सेक्सुअलिटी है ये कौन सी होगी, हेटरोसेक्सुअलिटी होगी। अब अगर जो आलिया है, आलिया अपना सेक्स चेंज करवा लेती है और आलिया बन जाती है अब्बास, तो क्या अली और अब्बास पाकिस्तान में शादी कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि ये होमोसेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट में आता है। इट मींस आप होमो हैं या हिट्रो हैं वो कहाँ से डिसाइड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी में कौन सा बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स को वेटेज दी जा रही है? दैट इज जेनिटेलिया। एक्सलेंट। ओके, अब आ जाते हैं टेक्सिस मैरिज लॉ की। अगर हम टेक्सिस मैरिज लॉ की बात करें तो टेक्सिस मैरिज लॉ में जो सेक्सुअलिटी एक्सेप्टेबल है वो है हेटरोसेक्सुअलिटी, ठीक है। अगर हम टेक्सिस की बात करें जो कि अमेरिकन स्टेट है, वहां पे कौन सी सेक्सुअलिटी एक्सेप्टेबल है? हेटरोसेक्सुअलिटी। ओके, और हेटरोसेक्सुअलिटी में जो आइडेंटिटी है इंडिविजुअल्स को वो किस बेसिस पे मिलती है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ जेनिटल्स। कि अगर हमारे कंट्री में अगर एक अली था और दूसरा आलिया थे, जब इन्होंने नाम चेंज करवाया अली और अब्बास में, तो पाकिस्तान में तो इनकी शादी नहीं हो सकती अली और अब्बास की, आलिया जब अब्बास बनी। अगर हम टेक्सास अमेरिकन जो उनका मैरिज लॉ है टेक्सास का, अगर हम उसकी बात करें तो उसके तहत अली और अब्बास की शादी हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक? यस, क्योंकि वो इसलिए हो सकती है कि चाहे आलिया अब्बास बन गई है लेकिन स्टिल दे आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड हेटरोसेक्सुअल, क्योंकि क्रोमोसोम्स तो अब्बास के आलिया वाले ही रहेंगे ना, क्रोमोसोम्स एक्स वाई होंगे, ठीक है, सॉरी एक्स एक्स होंगे, ठीक है। इट मीन्स दे आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड हेटरोसेक्सुअल। ओके, अगर हम कुछ अफ्रीकन स्टेट्स की बात करें तो अफ्रीकन स्टेट्स में क्या होता है? जिस तरह पाकिस्तान में आपने एक वर्ड सुना होगा इम्पोर्टेंट, सुना है वर्ड आपने, कि मोस्टली ये जो टर्म है वो मेल के लिए यूज होती है कि इज इम्पोर्टेंट। व्हाट डज इट मीन इम्पोर्टेंट? ठीक है, इम्पोर्टेंट वो बंदा होता है जो कि जिसमें इसमें सेक्सुअली नॉट स्ट्रॉन्ग की बजाय ना लैक ऑफ सेक्सुअलिटी कर लें तो दैट इज मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। इसमें जो इरेक्शन का कंपोनेंट है दैट इज मिसिंग। अगर इरेक्शन का कंपोनेंट नहीं होगा तो एट द सेम टाइम आप कहते हैं कि वो जो है ए कैन नॉट बिकम अ फादर। ओके, तो जिसके लिए वो टर्म यूज करते हैं इम्पोर्टेंट। ओके, पाकिस्तान में एक बंदा जिसका मेल जेनिटेलिया है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है तो वो मेल की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता? वो आता है। एक्सलेंट। अफ्रीकन कंट्रीज में अगर हम बात करें तो जो मेल है अगर उसमें इरेक्शन का कंपोनेंट नहीं है तो वो मेल की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है, इवन कुछ डेवलप कंट्रीज में भी। तो दिस इज अ डिफरेंस कि हमारे यहाँ जेनिटिलिया जो है दैट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ आइडेंटिटी, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी कंट्रीज में हो सकता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हो। इसी तरह जो है क्रोमोसोम्स हमारे कंट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक जो लड़का है उसका मेल जेनिटेलिया है लेकिन उसमें डबल एक्स वाई क्रोमोसोम्स है, असली तौर पे तो वो मेल की कैटेगरी से निकल जाता है क्योंकि ये क्रोमोसोम्स जो है उसके एक्स
वाई होने चाहिए थे, तो उसमें तो डबल एक्स वाई है। तो हमारे यहाँ सिर्फ जेनिटेलिया को ही वेटेज मिलती है। हम कहते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है ये ठीक है कि सेक्स बायोलॉजिकल है, लेकिन बायोलॉजिकल आइडेंटिटी में कौन से बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स को वेटेज मिलनी है वो वेरी करेगा फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। ओके, तहरीम जो आप बात कर रही है ना, इसकी आइडेंटिफाइड एज अ फीमेल, नो, इसमें हम ये कहते हैं, हमारे एक टर्म यूज होती है ट्रांसजेंडर। तो नॉर्मली क्या होता है कि ट्रांसजेंडर हम बोल रहे होते हैं इंटरसेक्स को, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्स एंड ट्रांसजेंडर, ठीक है? तो वो फिर उनको फीमेल में भी नहीं आता ना, ठीक है? तो वो उनको उसमें वो जो थर्ड सेक्स की कैटेगरी में ले आते हैं, गॉट इट? नबील, एक्स एक्स वाई, नबील मैंने ये नहीं कहा कि एक्स वाई इंपोर्टेंट होता है। मैंने ये कहा है कि एक बंदा फॉर एग्जांपल वो इंपोर्टेंट नहीं है, उसका मेल जेनिटेलिया भी है लेकिन उसके क्रोमोसोम एक्स वाई है, तो अब नॉर्मेलिटी तो आ गई ना, तो जो बायोलॉजिकल क्राइटेरिया है उसको तो वो बंदा मीट नहीं करता, लेकिन आप फिर भी उसको बायोलॉजिकल, उसको जेनिटेलिया के बेस पे फिर भी आइडेंटिटी एज अ मेल दे रहे हो। गॉट इट? अभी इंटरसेक्स एम्बिगुअस इन इन ट्रांसजेंडर हो ट्रांजिशंस इन टू, यस, थैंक यू वेरी मच सादिया राव। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? अगर मैं ये कहूं कि इस सेक्स सोशली डिटरमिन्ड, व्हाट इज योर आंसर? तो आप ये कहते हैं कि सेक्स होता तो बायोलॉजिकल है, बट दिस इज ट्रू इफ वी से इट इज सोशली डिटरमिन्ड, बिकॉज विच बायोलॉजिकल डिटरमिनेंट नीड्स टू बी गिवन वेटेज, इट इज अप टू द सोसाइटी। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। अब इसकी एग्जाम्पल एक कास्टर सेमेनिया की, ठीक है? अच्छा, इसको देख के क्या लगता है, ये लड़की है लड़का है? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, आपको लड़की लग रही है। अच्छा चले, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हुआ ये था कि जो लॉस एंजलिस टाइम है, ठीक है, लॉस एंजलिस इज अमेरिकन स्टेट, तो लॉस लॉस एंजलिस टाइम्स ने सेमेनिया के बारे कहा कि ये जो कास्टर सेमेनिया है शी इज नॉट अ फीमेल, शी इज अ मेल। तो जो वेमेन एथलेटिक्स चैंपियनशिप होती थी लॉस एंजलिस टाइम, लॉस एंजलिस में, तो ऑल द टाइम शी यूज टू विन, उन्होंने कहा कि भाई ये जो कंपटीशन है दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स, बट इफ अ मेल इज गोइंग टू मेक पार्टिसिपेशन सो दिस इज अंडरस्टूड ऑल द टाइम ही वुड विन। उन्होंने कहा कि समनिया इज अ मेल, सो दैट्स व्हाई समनिया नीड्स टू बी स्टॉप्ड इन पार्टिसिपेटिंग इन वेमेन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन लॉस एंजलिस। इज इट क्लियर? ओके, जो उन्होंने कहा कि समनिया लड़की नहीं लड़का है, किस बात पे कहा होगा उन्होंने, किस बेसिस पे कहा होगा कि समनिया मेरी लड़की नहीं समनिया लड़का है? एक्सलेंट, उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है? उन्होंने, ये चलती लड़कों जैसा है, फिजिकल जेस्चर्स लड़कों वाले हैं, फॉर एग्जांपल लैक ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, मस्कुलर डेवलपमेंट है, ठीक है, आपका बोनी स्ट्रक्चर है, बला बला बला। जब उसका टेस्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि समनिया तो लड़की है, तो टेस्ट में कौन सी चीजें डिसाइड की गई होंगी? जब टेस्ट किया गया तो उसमें जेनिटल्स और क्रोमोसोम्स, अगर हम कहते हैं कि सेक्स नेचुरल है,
नेचुरल वो चीज होती है जिसमें डिस्प्यूट नहीं होता, नेचुरल वो चीज होती है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। अगेन ये अप टू सोसाइटी है कि जिन्होंने लड़का कहा उन्होंने सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को वेटेज दी, जिन्होंने लड़की कहा उन्होंने जेनिटल्स को वेटेज दी। तो इट मीन्स इट वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी कि उसमें किस फैक्ट, कोई यूनिवर्सल क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, इन टर्म ऑफ एक्सेप्टिंग इंडिविजुअल एज अ इन टर्म्स ऑफ हैविंग सर्टेन आइडेंटिटी, जिसके बेसिस में हम कहते हैं कि वो किसी हद तक कंट्रोवर्शियल है। सेम दैट इज इन द टेक्सास मैरिज, ये जो जूलिया है शी वाज अ बॉक्सर एंड शी यूज्ड टू बीट बॉयज, ठीक है, उसके बारे में भी कहा गया कि वो लड़का है। एक्स ओके जब हम कहते हैं कि इज सेक्स सोशली डिटरमिन्ड टू, तो उसकी जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है वो इन टर्म ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी है। इज सेक्स सोशली डिटरमिन्ड टू में जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। बायोलॉजिकल आइडेंटिटी में फाइव बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये हमने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन थी इज सेक्स सोशली डिटर्मिन्ड टू, तो वो इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी में थी। थैंक यू वेरी मच। सेकेंड पे आ जाए, सेकेंड है सेक्स एज अ सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी से ये मुराद है कि जब एक सेक्स के साथ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच कर देना, तो क्या ये बायोलॉजिकल है या सोशल है? कि कोई कैरेक्टरिस्टिक्स किसी पर्टिकुलर सेक्स में अटैच कर देना, यस शाबाश। ये रोल की लड़कियां तो होती पागल हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लड़कियां तो होती इरेशनल हैं, उन वो तो अच्छा मशवरा नहीं दे सकती, ये लड़के तो हैं ही महान, लड़के तो हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है, वो हमेशा जो है लड़के हम कहते हैं कि जी वो स्ट्रांग होते हैं, तो ऐसा नहीं है। गॉट इट? ये है सेकंड इंटरप्रिटेशन, इज सेक्स सोशली डिटरमिन्ड। पहला बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, दूसरा सेक्स रोल आइडेंटिफिकेशन। फिर आ जाती है थर्ड आइडेंटिफिकेशन जो कि है सेक्सुअल प्रैक्टिस या जो सेक्सुअल अट्रैक्शन। ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है ये बायोलॉजिकल है या सोशली कंस्ट्रक्टेड है? तो व्हाट डू यू थिंक, सेक्सुअल अट्रैक्शन बायोलॉजिकल है या सोशली कंस्ट्रक्टेड है? ठीक है, लेकिन ये चैप्टर है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर पे, ये बस ध्यान में रखें। वो ये कहते हैं एग्जैक्टली सना, आई एग्री विद यू, हम कहते हैं कि ये हम अपनी ओपिनियन ना इम्पोज करवाएं कि अगर अक्सा जो है वो हिट्रोसेक्सुअल है या तहरीम हिट्रोसेक्सुअल है तो उनको लगेगा कि ये बायोलॉजिकल है, ठीक है। हम ये कहें कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से अपने आप को देखता है। अब देखो ना कि जो लोग होमोसेक्सुअल हैं, अब सोसाइटी तो हमेशा डिस्करेज करती है होमोसेक्सुअलिटी को, उसके बावजूद होमोसेक्सुअलिटी हर कौम में पाई जाती है, ठीक है। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, होमोसेक्सुअलिटी तो ये मौलवी जो हजरात हैं, ये भी मुफ्ती की, जो मुफ्ती अजीज की आई थी रिसेंटली, भाई ये बड़े बड़े लोग भी तो करते हैं। और ये माय पॉइंट कि अगर ये अननेचुरल है तो फिर लोग इसमें क्यों अट्रैक्ट होते हैं? इट मीन्स ये वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इट कुड बी हिट्रो, इट कुड बी होमो। और अगर हम कहते हैं कि हिट्रोसेक्सुअलिटी, फिर इसमें क्वेर थ्योरी सारा इसी का पार्ट है कि हम कहेंगे कि जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं उसमें सेक्सुअल प्लेयर का अल्टीमेट सोर्स क्या है? हिट्रोसेक्सुअलिटी। तो अगेन दिस इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये जो प्लेयर है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट और वो वेरी करेगा। अब देखो ना कि अगर आप हिट्रोसेक्सुअल भी हो तो हिट्रोसेक्सुअल, जिस तरह पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो लिव इन रिलेशनशिप है, अगर आप उसमें हिट्रोसेक्सुअल हो तो वो एक्सेप्टेबल है अनएक्सेप्टेबल है? अनएक्सेप्टेबल है। तो इट मींस प्रॉब्लम, तो देखो ना ये सोसाइटी है कि फॉर एग्जाम्पल हम मान लो कि हिट्रोसेक्सुअलिटी इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्लेयर, उस प्लेयर को भी तो आप जस्टिफाई करते हो ना कि ये लीगल है या इलीगल है, ये मॉरल है या इमोरल है। तो
तो ये सोसाइटी है जो कि उसके जो पैटर्न्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उसकी बाउंड्रीज को सेट कर रही होती है कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल. यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, थैंक यू वेरी मच. ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है. इस सेक्स सोशली डिटरमिन टू, तो इसकी कितनी इंटरप्रिटेशन होंगी इस सेक्स सोशली डिटरमिन टू में? जब हम कहते हैं कि सेक्स सोशली डिटरमिन टू, तो इसकी कितनी इंटरप्रिटेशन होगी? अच्छा, आ गई है, कहना था आप तो. वेल डन. चलिए, आपका बैच थोड़ा सा शाये है एज कम्पेयर टू बैच 49. दे आर वेरी मच एक्टिव, लेकिन ओवरऑल इन टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू आर बेटर. चलिए, अब आ जाते हैं जेंडर एक्सप्रेशन थ्योरी. ठीक है, जब हम जेंडर एक्सप्रेशन, ये थर्ड थ्योरी है, ये चौथी थ्योरी है. पहली हमने पढ़ी हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी, दूसरी हमने पढ़ी क्वेयर थ्योरी, तीसरी हमने पढ़ी सेक्स थ्योरी, या फोर्थ है लास्ट थ्योरी जेंडर एक्सप्रेशन थ्योरी. जेंडर का क्या मतलब होता है? जेंडर का क्या मतलब होता है? एक्सलेंट प्रोफेसर, चलिए मैडम कुरेशी. ठीक है, जेंडर मींस रोल्स. तो ये है कि ये थ्योरी ये कहती है कि इंडिविजुअल्स अपने रोल किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं सोसाइटी में. तो सोसाइटी में अगर एक तहरीम, अगर हम फॉर एग्जांपल तहरीम की बात कर लें या मकसद की बात कर लें, अगर ये को काम करती हैं तो इनको कोई कहता है कि ये काम ना करे तो ये कहते हैं कि नहीं, दिस इज अ गर्लिश रोल, दिस इज अ फेमिनिन रोल, सिंस वी आर गर्ल सो इट्स ओके फॉर अस. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेल्फी लेती हैं तो ये पाउट बना लेती हैं, तो वेदर इट इज एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल? एक्सेप्टेबल. अब उसमें नबील साहब पाउट बना के तस्वीर अपलोड करें तो एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल? That would be considered odd, ठीक है? So, this is a gender expression theory, कि आपके roles को accept किया जाता है on the basis of your sex, ठीक है? Okay, okay. Again, gender expression, क्योंकि आप लड़के हैं तो आपकी clothing इस तरह की होगी, क्योंकि आप लड़की हैं तो इसलिए आपकी clothing इस तरह से होगी. So, this is gender expression. Individuals किस तरह से अपने आप को society में express करते हैं. जब आप जेंडर एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो नॉर्मली हम कहते हैं कि आपके रोल्स दो तरह से एक्सप्रेस होते हैं, एज ए मैस्कुलिन और एज ए फेमिनिन. मैस्कुलिन मींस के वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो के अटैच होती हैं मर्दों के साथ, जिनको हम कहते हैं मैनहुड, ठीक है, या मैनलीनेस. फेमिनिनिटी क्या होती है? वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीमेल के साथ अटैच होती है और जिनको कहा जाता है वेमेनहुड. ठीक है, द वेज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एज अ फीमेल. और वो वेज क्या है? बींग वीक, बींग पैसिव, बींग इमोशनल. फॉर एग्जाम्पल सादिया जो है, सादिया बड़ी बातें करती है, डांटती है घर में सबको, उसको ये कहेंगे कि बी अ गर्ल. बी अ गर्ल मीन बी अ सबमिसिव, थोड़ा सा हौसला करो, अपनी टोन स्लो करो, ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त करो. तो उसमें वो होगा बी अ काइंड, यस. और अगर फॉर एग्जाम्पल नबील साहब जो है, नबील साहब मोहल्ले से सबसे कुट खा के आ जाते हैं, तो इसको सारे कहेंगे कि बी अ मैन. बी अ मैन मीन्स कि यार स्ट्रांग हो, अग्रेसिव हो, क्या रोते रहते हो हर वक्त, थोड़ा सा खुद भी हौसला करो और आगे इंडिपेंडेंट हो और आप पावर शो करो, सरवाइव करो. तो उसको उस तरह से ट्रेन किया जाएगा. गॉट इट? यस, ओके. जब हम कहते हैं कि ये जो नॉर्मली हम कहते हैं कि बी अ मैन या बी अ वुमन, ये किस हद तक ठीक है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स मर्दों में होनी चाहिए और कुछ हद तक जो है वो औरतों से रिलेटेड है? तो एक है बायोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, जो कि ऑलरेडी हमने नेचुरल पर्सपेक्टिव पढ़ा है, ठीक है, कि जो एसेंशियल इस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कि आप में कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरल है ऑन द बेसिस ऑफ योर सेक्स. कि फीमेल इमोशनल होती है क्योंकि फीमेल जो है इन सर्टन डेज ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन दे फील इरिटेशन, दे बिकम
more emotional as well. They are going to have their mood swing as well due to pregnancy certain other things as well. तो ये कहते हैं biological model theory ये कहती है कि individuals में ये characteristics उनके natural हैं. कल्चरल मॉडल थ्योरी डिसएग्री करती है कि ये करेक्टरिस्टिक्स नेचुरल नहीं है बल्कि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है और ये आपकी जो वेरियस एजेंसीज हैं वो उनको प्रोपोगेट करती हैं, उनको स्प्रेड करती हैं कि ये ऐसा ही है. और वो वेरियस जो बायोलॉजिकल एजेंसीज हैं, जो सोशल एजेंसीज हैं, वो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, वो नेबरहुड इंस्टीट्यूशन है, वो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, एंटरटेनमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है. तो ये सारे फिर अपना रोल प्ले करते हैं और फ्रॉम द बर्थ आपको ट्रेन किया जाता है कि दिस इज फॉर बॉय, दिस इज फॉर गर्ल. जो रॉनल है, रेन कॉर्नल, इसने कहा कि ये जो मैस्कुलिनिटी है या फेमिनिनिटी है ये ठीक नहीं है. ठीक नहीं है से क्या मुराद है कि ये प्योरली सोशली कंस्ट्रक्टेड है. ओके इसने कहा क्यों, इसने कहा कि जो मैस्कुलिनिटी है ये दो तरह की है, एक होती है हेजेमोनिक और एक होती है सबॉर्डिनेट. इसने कहा कि मैस्कुलिनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय मैस्कुलिनिटी बाय द वे, व्हाट डू यू मीन बाय मैस्कुलिनिटी, अग्नियक साहब शाबाश. मेल फीचर्स नहीं होते नबीर, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ठीक है ओके. अब वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो है कि बी ए डोमिनेंट अग्रेसिव असर्टिव ब्ला ब्ला. उसने कहा कि अगर हम हेजमोनिक मैस्कुलिनिटी की एग्जांपल्स देखें तो हेजमोनिक मैस्कुलिनिटी की एग्जांपल है हेटरोसेक्सुअलिटी. जब मेल और फीमेल के रिलेशनशिप को आप देखते हैं तो मेल का रोल हेजमोनिक नजर आता है, अग्रेसिव भी है, असर्टिव भी है, डोमिनेंट भी है, एक्टिव भी है, ठीक है. और जो हम पढ़ते हैं कि मैस्कुलिन मींस रिकॉग्निशन ऑफ वेज बीइंग मैन, वो हमें उस मेल में नजर आते हैं जब वो हेटरोसेक्सुअल है. लेकिन कॉर्नल ने कहा कि मैस्कुलिनिटी की एक फॉर्म सबॉर्डिनेटेड मैस्कुलिनिटी भी है. सबॉर्डिनेटेड मैस्कुलिनिटी की एग्जांपल होमोसेक्सुअलिटी है. होमोसेक्सुअलिटी में गे सेक्स है. जब आप गे सेक्स की बात करें तो व्हाट इज गे सेक्स बाय द वे, व्हाट इज गे सेक्स, यस शाबाश, ठीक है. आप कहते हैं मेल विद मेल अट्रैक्शन. उन्होंने कहा कि गे सेक्स में जो एक लड़का है वो रोल तो परफॉर्म कर रहा है लड़की वाला, उसमें पेनिट्रेशन भी हो रही है, वो काइंड भी है, ठीक है, वो सबमिसिव भी है, वो डिपेंडेंट भी है. उन्होंने कहा कि ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स लड़कियों वाली है. अगर एक मेल में कैरेक्टरिस्टिक्स लड़कियों वाली है इट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी. आर गेटिंग माय पॉइंट, इज इट क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? चले थैंक यू वेरी मच. बच्चे अच्छे हैं, बच्चे जल्दी समझ जाते हैं. मैं रिपीट कर देता हूँ. देखिए हम कहते हैं कि लड़का अग्रेसिव होता है, असर्टिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है, असर्टिव होता है, ठीक है. बात यह है कि जब हम गे सेक्स की बात करते हैं उसमें एक लड़का जो रोल ले रहा है वो तो फीमेल वाला ले रहा होता है क्योंकि उसमें पेनिट्रेशन हो रही होती है. चले हम कहते हैं कि उसमें एक तो एक्टिव है, दूसरे का रोल तो पैसिव है. एक अगर हम कहते हैं असर्टिव है, डोमिनेंट है, तो दूसरा सबमिसिव है क्योंकि वो उसको बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है.
तो हम कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो फीमेल वाले ही हैं, बी अ काइंड, बी अ पस, बी अ पैसिव, बी अ डिपेंडेंट. यू गेटिंग माय पॉइंट? करीम, उन्होंने कहा कि जो मैस्कुलिनिटी का मतलब है वो है रिकॉग्निशन ऑफ वेज बीइंग मैन. तो भाई जो मैस्कुलिनिटी की जो फॉर्म है वो भी तो फर्दर दो है, हेजेमोनिक है और सबॉर्डिनेटेड है. और सबॉर्डिनेटेड मैस्कुलिनिटी में एक मेल फीमेल वाला रोल परफॉर्म कर रहा है. तो अगर एक मेल में भी फीमेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो फिर मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन गलत है, रिकॉग्निशन ऑफ वेज बीइंग मैन. इसमें तो वो लड़का वो रोल परफॉर्म ही नहीं कर रहा जो रिकॉग्निशन ऑफ वेज बीइंग मैन है. कैन यू मूव टू नेक्स्ट इफ यू आर क्लियर अबाउट द मैस्कुलिनिटी? थैंक यू वेरी मच. ओके, फिर रेन कॉलर ने कहा कि जो फेमिनिनिटी है, फेमिनिनिटी भी तीन तरह से है, एक है एम्फेसाइज, एक है रेजिस्टेंस, एक है कॉम्प्लेक्स. एम्फेसाइज का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि फीमेल फोकस करती हैं, केयर करती हैं, गोल ओरिएंटेड होती हैं, इट मेक सेंस. क्या सारी फीमेल केयरिंग है? क्या सारी फीमेल सपोर्टिव है? क्या सारी फीमेल जो है वो कंप्रोमाइजिंग है? ऐसी बात तो नहीं है. इट मीन्स फीमेल में फीमेल भी अनकाइंड होती है, फीमेल भी अग्रेसिव होती है, फीमेल भी असर्टिव होती है. अगर फीमेल असर्टिव होती है, इंडिपेंडेंट होती है, फीमेल इमोशनल नहीं होती, तो ये तो फिर फेमिनिनिटी की डेफिनेशन गलत हो गई. क्योंकि फेमिनिनिटी तो हमने पढ़ा था रिकॉग्निशन ऑफ वेज बीइंग वेमेन या वेमेनहुड. तो जो रेजिस्टेंस फेमिनिनिटी है वो तो फेमिनिनिटी के अगेंस्ट है. इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस फेमिनिनिटी है दैट इज मोर क्लोज विद द मैस्कुलिनिटी. तो हकीकत में क्या होता है कि फीमेल्स में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो एम्फेसाइज भी हो सकती हैं, वो रेजिस्टेंस भी हो सकती हैं. तो इस तरह रेन कॉलर ने कहा कि ये जो मैस्कुलिनिटी फेमिनिनिटी है ये बायोलॉजिकल नहीं है बल्कि आपके जेंडर एक्सप्रेशन प्योरली सोशली कंस्ट्रक्टेड है. डज इट मेक सेंस? थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट. ओके, अब आ रहे हैं हम इसके कंक्लूजन की तरफ कि ये किस हद तक जो रोल्स हैं इंडिविजुअल में वो नेचुरल हैं या कल्चरल हैं. तो हम कहते हैं कि एक डिबेट हमेशा रही है जेंडर स्टडी में कि ये जो रोल डेवलपमेंट है वो रोल डेवलपमेंट नेचुरल है या कल्चरल है. ठीक है, तो अब हम इस कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, कि किस हद तक ये जो नेचर वर्सेस नर्चर है, कि सेक्स और जेंडर की जो डिबेट है ये क्या है बेसिकली. सर, कॉम्प्लेक्स जी दुरेश अवार, कॉम्प्लेक्स फेमिनिनिटी होता है मिक्सचर ऑफ द बोथ एम्फेसाइज के फीमेल काइंड भी होती हैं. कि दुरेश अवार जो है वो सादिया के साथ तो ठीक है, क्या दुरेश अवार अक्सा के साथ भी ठीक होगी? द आंसर इज नो. क्या दुरेश अवार फॉर एग्जाम्पल नबील साहब के लिए तो बड़ी सख्त है, तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मोमन के लिए भी सख्त है? द आंसर इज नो. तो फीमेल डिपेंड करता है कि कब उसने कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करना है. गॉट इट? दुरेश आवाज ओके, थैंक यू वेरी मच. नहीं, आपको तो क्लियर था लिश्मा, मैं दुरेश आवाज से पूछ रहा हूँ कि आपको क्लियर है. चलें, ओके. तो जब हम कहते हैं कि रोल नेचुरल है या कल्चरल है, नेचुरल रोल वो होते हैं जो कि बायोलॉजिकल है, नर्चर वो होते हैं जो कि कल्चरल है, जो कि आप लर्न करते हो. बायोलॉजिकल रोल आप लर्न नहीं करते, वो इनहेरिटेड होते हैं. ठीक है, अनप्लैंड होते हैं, अनडिजायर्ड होते हैं, अनइंटेंडेड होते हैं. ठीक है, और जो नर्चर होते हैं वो प्लैंड हैं, इंटेंडेड हैं, डिजायर्ड हैं. ओके, अगर मैं ये कहूं कि मेन आर द ब्रेड विनर, ये नेचुरल रोल है कल्चरल रोल है? मेन आर द ब्रेड विनर, दिस इज नेचुरल और कल्चरल? दिस इज प्योरली कल्चरल. छा गए आप जनाब. नेक्स्ट, अगर मैं ये कहूं कि जो दुरेश अवार है उसके माइंड में ये चल रहा हो कि मैंने कल को घर संभालना है, लॉन्ड्री करनी है, और जो लड़का है हम कहते हैं कि नबील साहब ये सोच रहे हो कि बैंक बैलेंस बढ़ाना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, तो ये दोनों की जो थिंकिंग का फर्क है ये नेचुरल है कल्चरल है?
दैट इज प्योरली कल्चरल. वेल डन. यस, इसी तरह फीमेल जो है कि हम कहें कि अभी जो फीमेल्स हैं क्लास से पहले उन्होंने वो ब्रेकफास्ट किया या फैमिली को टेक केयर की, और लड़के जो हैं वो सुबह से बड़े इजी रिलैक्स फील कर रहे थे, बस अपना मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बिजी थे. दिस इज नेचुरल कल्चरल. दिस इज टोटली कल्चरल. यस. ओके, फिर हम कहते हैं कि बॉयज जो हैं वो ब्लू कलर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फीमेल्स पिंक कलर की तरफ. नेचुरल है, कल्चरल है. दिस इज प्योरली कल्चरल. यस. फिर हम कहें कि जो लड़के हैं उनको हम कहते हैं कि डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, डोंट स्टॉप क्राइंग एंड बी अ मैन. ठीक है. और इस तरह की लड़की के मोटे मोटे आंसू निकल रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल होगा शायद. ये नेचुरल है, कल्चरल है. दैट इज अ प्योरली कल्चरल. यस, थैंक यू वेरी मच. यस. फिर आप कहते हैं कि बॉयज आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेल इन मैथ. नेचुरल, कल्चरल. दैट इज प्योरली कल्चरल. फिर हम कहते हैं कि हाय नर्स, कैन सी माय डॉक्टर, एक्चुअली आई एम योर डॉक्टर. तो क्योंकि अपने लड़की देखेगा कि ये असिस्टेंट ही होगी, तो लड़का ही इसका कोई मैनेजर हो सकता है या इसका बॉस हो सकता है. ये नेचुरल है, कल्चरल है. शाबाश. फिर हम कहते हैं कि वेमेन आर नॉट सीन एज अ हाई पेइंग प्रोफेशंस. ये नेचुरल है, कल्चरल है. शाबाश. ओके, फिर मैं ये कहूँ कि जो सना है, सना बचपन में डॉल के साथ खेलती रही थी, और जो इश्तियाक है वो इसके साथ फुटबॉल के साथ. ये नेचुरल है, कल्चरल है. ये एग्जाम्पल हो चुकी है. ओके, फिर हम कहते हैं कि अगर अलिशबा गाड़ी चलाएगी तो ये घर का हाल, वो गाड़ी का हाल हो जाएगा, और अगर नबील किचन में काम करेगा तो घर की ये हालत हो जाएगी. ये नेचुरल है, कल्चरल है. ये नेचुरल है, कल्चरल है. तो ये कल्चरल है. शाबाश. चलें, फिर हम कहते हैं कि गर्ल्स पिक्चर लगाते हुए जो डिफरेंट शेप्स बनाती हैं फेस की, और बॉयज जिस तरह से एक बड़ा ग्लूमी पोज़ेस बनाते हैं. ये नेचुरल है, कल्चरल है. हाँ, मैं एग्री करता हूँ, कहना था आपके साथ. तो ये कल्चरल है. ठीक है. ओके. अच्छा, कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि कुछ रोल्स प्योरली कल्चरल है लेकिन कुछ रोल्स प्योरली नेचुरल है. फॉर एग्जाम्पल, विच रोल्स आर प्योरली नेचुरल? एक्सलेंट, शाबाश. अगर हम बात करें कि हम कहेंगे जी कि जो फीमेल है वो बर्थ देती है बच्चे को, तो ये नेचुरल है. वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, नेचुरल है. ठीक है. इसी तरह हम कहते हैं कि जो फीमेल है वो मेंस्ट्रुएशन उसको एक्सपीरियंस करती है, वो नेचुरल है. फिर फीमेल अडल्ट एज को जल्दी पहुंच जाती है, वो नेचुरल है. फीमेल जल्दी बोलना शुरू हो जाती है, वो नेचुरल है. फीमेल जो है उसमें डेलिकेसी है उसकी बॉडी में, ये नेचुरल है. हम कहते हैं कि कुछ रोल्स तो कल्चरल है लेकिन कुछ रोल्स प्योरली नेचुरल भी है. गॉट इट?
ओके थैंक यू वेरी मच। ओके फिर हम कहते हैं कि कुछ रोल्स मिक्सचर हो सकते हैं दोनों का, बायोलॉजिकल का भी और कल्चरल का भी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बच्चा क्लास में टॉप करता है, अगर एक बच्चे ने टॉप किया तो उसके पीछे नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, उसके पीछे कल्चरल फैक्टर्स भी। हो सकता है कि वो बायोलॉजिकली थोड़ा सा शार्प हो और सोशल उसको अच्छे टीचर मिल जाए, अच्छा एनवायरमेंट मिल जाए, तो इस वजह से वो क्लास में अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम कहते हैं कुछ रोल्स प्योरली नेचुरल हैं, कुछ रोल्स प्योरली सोशल हैं और कुछ रोल्स प्योरली सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। डज इट मेक सेंस? चलिए अब बताएं कि अगर हम बात करें कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ये किस में ज्यादा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी किस में ज्यादा है, लड़कों में या लड़कियों में? सही सी बताना है। अच्छा, इस पे जो उन्होंने एक रिसर्च की ना, उसमें यही कहा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो लड़कों में ज्यादा है एज कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हम कहते हैं कि लड़कियों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम है एज कंपेयर टू बॉयज, तो ये नेचुरल है या कल्चरल है? तो ये क्या होगा, नेचुरल या कल्चरल? नो, कैनॉट, नॉट एट ऑल, कल्चरल होगा। उसकी रीजन ये है कि जो लड़के हैं उनको शुरू से बताया जाता है, घर में भी उनकी प्रैक्टिस हुई होती है कि अगर इस तरह का इश्यू आ जाए तो आपने इस तरह करना है, जिसकी बेसिस पे कि इन्होंने फिर जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में अगर एक इशू क्रिएट हो जाता है तो लड़की उसको जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं एंड देन कैन प्ले फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो लड़कियां हैं अगर स्पोर्ट्स में इशू क्रिएट हो जाए तो दे प्रिफर टू स्टॉप प्लेइंग एंड दे जस्ट क्वेल विद ईच अदर। ये बात ठीक है कि लड़कों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज्यादा है, लेकिन उसके पीछे सोशल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं है। इसी तरह जब हम कहते हैं कि वेमेन आर द बैड ड्राइवर्स, वो बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन उसके पीछे सोशल फैक्टर्स हैं कि लड़की को उतना ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता जितना लड़के को दिया जाता है, जिसकी बेसिस पे जो लड़के हैं वो गाड़ी तेज भी चला रहे हो तो वो इजिली हैंडल कर लेते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। गॉट इट? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? नो, थैंक यू वेरी मच। ओके, इसी तरह जब हम बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी की, तो होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल है या कल्चरल है? होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल है या कल्चरल है? नो, हम कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी कल्चरल भी हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है। देखो ना, हमारी सोसाइटी में तो कल्चरल है कि फ्रेंकली स्पीकिंग हमारी सोसाइटी में होमोसेक्सुअलिटी का रिजल्ट वो क्यों है, लैक ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अपोजिट सेक्स का आपकी फ्रस्ट्रेशन जो एक्सेस नहीं होती, वो फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट होमोसेक्सुअलिटी में निकलता है। तो वेस्टर्न सोसाइटीज में जहाँ पे हेटरोसेक्सुअलिटी इजिली एक्सेसिबल है, उसके बावजूद लोग होमोसेक्सुअल हैं, इसका मतलब है कि उनका कोई इशू भी तो हो सकता है ना, जीन म्यूटेशन का उनके डिसऑर्डर भी तो एग्जिस्ट कर सकता है ना। हम कहते हैं कि अगेन ये होमोसेक्सुअलिटी या हेटरोसेक्सुअलिटी, उसके पीछे रीजंस होमो भी हो सकते, कल्चरल भी हो सकती हैं और वो बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकती हैं। गॉट इट? इज इट ओके? ओके, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह मल्टीटास्किंग एटीट्यूड की बात करें तो मल्टीटास्किंग एटीट्यूड्स किस में ज्यादा है, लड़कों में या लड़कियों में? मल्टीटास्किंग एटीट्यूड्स किस में ज्यादा है?
सर तो हमारी यही नहीं बायोलॉजिकल हो सकते, कायनात मुझे नहीं आपकी समझ आ रही कायनात। या तो मैं आपको फिर आपको अनम्यूट करूं तो आप अपने आपको रिक्वेस्ट भेजूं तो आप अनम्यूट करें ना। जब हम मल्टीटास्किंग एटीट्यूड की बात करते हैं तो वो मोस्टली देखने में आता है। नहीं ये कायनात 40 है, कायनात ये कायनात कुंडी है ना, ये कायनात ने कहा है ना कि हम में नहीं हो सकते। सर आपने कहा था जीन म्यूटेशन, कायनात मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप अपने को अनम्यूट करेंगे तो पता चलेगा ना। ओके तो मोस्टली ये होता है सर, शी इज टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअल। क्वेश्चन है क्या तहरीम? मुझे समझ नहीं आ रही कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो? हाँ हाँ पाकिस्तान में कल्चरल है, नहीं पाकिस्तान में हो सकता है कुछ इंडिविजुअल्स के साथ बायोलॉजिकल रीजंस भी हों। एग्जैक्टली कि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस। कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं वो हिट्रोस, वो जब हम होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, सोशल रीजंस हो सकते हैं, कुछ एज एडवेंचर के तौर पर भी लेते हैं और कुछ एज अ कंपल्शन के तौर पर भी लेते हैं। खासतौर पे ये देखो ना पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में बात करें, ये जो बड़े बड़े एक्टर हैं तो दे आर होमोसेक्सुअल, जो कि रिपोर्ट हुआ था। गॉट इट? अब तो हम कहते हैं कि कुछ रीजंस प्योरली सोशल हैं, कुछ रोल्स प्योरली बायोलॉजिकल हैं और कुछ रोल्स जो हैं वो बोथ का मिक्सचर हैं, और कुछ रोल्स वेरी करेगा सोसाइटी से सोसाइटी, किस हद तक नेचुरल या इंडिविजुअल में जो है वो वेरी करता है किस हद तक वो नेचुरल है और किस हद तक वो कल्चरल है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2? ओ वी हैव डन टाइमली। जी ये बताएं आज का लेक्चर आपको मुश्किल तो नहीं लगा? डिड यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन टूडेज क्लास फ्रेंकली स्पीकिंग? देखिए जब तक आप ऑनेस्ट वो फीडबैक नहीं देंगे तब तक उसको फर्दर इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। If you find any difficulty, please feel free. अच्छा चलो, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट यू। ओके दैट्स गुड, जज़ाकअल्लाह। अच्छा आपकी पहली क्लास है, चलें। शुड आई वाइंड अप द सेशन और यू हैव एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर आई वाज टू आस्क अ क्वेश्चन। जी जी आयशा लाल। अच्छा ये आयशा लाल का ना नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है जो लाल एंड पे आता है। जी आयशा अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वेलकम। सर मैंने जेंडर स्टडीज ऑप्ट तो कर लिया, आपकी फर्स्ट क्लास भी ली, सेकंड आई गेस सो मुझे मिस हो गई थी मुझसे दरम्यान में, फिर मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए स्विच कर गई, लेकिन सर खैर अब फिर मैंने जेंडर स्टडीज रखी है तो आज फिर मुझे इशू आया है, वो ये कि जो आपने बताया होमोसेक्सुअल जो है वो नेचुरल है, तो सर एक क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमें तालीमात या जो भी दिया है कुरान पाक की सूरत में या अंबिया कराम, उसमें यही एक वो नेचुरल बात होती है, तो उसमें होमोसेक्सुअलिटी का कहीं मतलब उसकी गुंजाइश ही नहीं है। बीइंग इस्लाम द मोस्ट नेचुरल रिलीजियन या जो नेचर दीने फितरत है, तो सर काइंडली इस पे थोड़ा सा बता दे कि वो नेचुरल कैसे हो सकता है। पहली बात तो ये है कि मैडम आयशा मेरे पे कोई इल्जाम ना लगाएं कि मैंने ये कहा है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मैंने आपको वेस्टर्न आइडियोलॉजी को पढ़ाया है। पहली बात तो ये है, ठीक है? जी सर एक तो सॉरी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, डोंट गेट कंफ्यूज माय थॉट्स ऑन सर्टेन टॉपिक्स। इफ आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग दिस इज आवर एकेडमिक रिक्वायरमेंट बट इट डजंट मीन दैट आई एम गोइंग टू सपोर्ट इट। पहली बात तो ये है,
जी ठीक सर, है। दूसरी बात ये रही कि आपने कहा कि ये इस्लाम के साथ आपने कंफ्यूज कर दिया। वी आर नॉट मेकिंग एनी कंपैरिजन विद रिलीजियस आइडियोलॉजी। जी सर, रिलीजन इज समथिंग एल्स। मैंने रिलीजन को तो क्वेश्चन ही नहीं किया, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि रिलीजन क्या कहता है। मैंने आपको एक वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट पढ़ाया है कि वो ये समझते हैं कि इन इन बेसिस पे इसको नेचुरल कहा जा सकता है। उन्होंने नेचुरल बेसिकली होमो को नहीं कहा, उन्होंने जो उसको किया क्वेश्चन वो हिट्रोसेक्सुअलिटी को किया कि जिस तरह सोसाइटी में हिट्रोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्टेबिलिटी है, सिमिलरली होमोसेक्सुअलिटी को भी एक्सेप्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। दैट वाज द डिबेट। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। फिर आपने कहा कि जो दीन है वो इस्लाम इज अ रैशनल, देयर इज नो डाउट, इस्लाम पे तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद इस्लाम। एक चीज ये। फिर हम कहते हैं कि जो इस्लाम है, इस देखिए इस्लाम ने भी आपको आजादी दी है, और आजादी दी है तो उसका एक तरीकाकार बताया है। अगर इस्लाम आपको हिट्रोसेक्सुअलिटी की बात करता है तो उसका एक तरीकाकार बताता है कि कब हिट्रोसेक्सुअलिटी अलाउ है। ये नहीं है कि वो अब लड़की देखें तो आप पागल हो जाएं, उसका एक तरीकाकार है कि उसका किस तरह से आप वो करेंगे। ठीक है, तो वो तो इंसान को आजादी दी है और उसमें लिमिटेशंस लगाई हैं कि वो उसको राइट और रॉन्ग का बता दिया गया है, और वो उसका तरीकाकार बता दिया गया कि ये राइट है ये रॉन्ग है, और उसको ये फर्दर कहा गया कि अगर आप ये करोगे तो ये आपके हक में बेहतर है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू गेट रिवॉर्डेड फॉर दिस रोल और फॉर दिस सर्टेन टीचिंग अ थिंग लाइक दिस। ये आपको ऐशा लाल क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यार एक तो चैट के साथ पता नहीं क्या इशू है। आई थिंक द आइडियोलॉजी ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी कैन सिंपली बी सेड टू हैव द बोथ एस्पेक्ट्स बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द जीनिक म्यूटेशन डेवलपमेंट। ओके, फिर वो ये मैं एग्री करता हूँ युसरा के साथ। वो ये कहते हैं कि भाई आपका दिल है ना, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक लड़की देखते हैं तो आप एक ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी आई एम गोइंग टू टेक द लिबर्टी, तो आप अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि जो समटाइम फीमेल हो सकता है वो डेफिनेटली बिकॉज सेक्स इज इन द इज योर नेचुरल इंस्टिंक्ट, आप उसको एक्सप्रेस करें या ना करें दैट इज अनदर डिबेट, बट दिस इज क्वाइट नॉर्मल कि आप अट्रैक्ट होते हैं। तो उनका यानी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप हेट्रोसेक्सुअल हो तो आप अट्रैक्ट होते हैं, सो सिमिलरली उनका ये ख्याल था कि भाई कुछ लोगों में जीन म्यूटेशन भी तो हो सकती है ना, आप उस चीज को इग्नोर क्यों कर रहे हो कि अगर एक फीमेल जो है, कि जब हम लेस्बियन की बात करते हैं, उनका ये ख्याल था कि जो एक फीमेल है, अगर एक फीमेल में वाई क्रोमोसोम्स, देखिए फीमेल में होती है एस्ट्रोजन हार्मोन्स के सेक्रीशन ज्यादा, अगर एक फीमेल में उसके क्रोमोसोम्स भी एक्स एक्स हो, उसका जेनिटेलिया भी फीमेल वाला हो, स्टिल इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसमें टेस्टोस्टेरोन की सेक्रीशन ज्यादा हो जाए। तो अगर टेस्टोस्टेरोन की सेक्रीशन ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली शी नीड्स टू शी ट्राइज टू अज्यूम द रोल ऑफ अग्रेशन, वो हो सकता है फीमेल फीमेल में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। उनका ये ख्याल था कि ये जो चीज है, जो बायोलॉजिकल सर्टन चीजें हैं उनको रूल आउट नहीं कर सकते, सो थिंग्स दे नीड टू बी अंडरस्टूड इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। आयशा लाल, जहां तक आपके क्वेश्चन की बात है, दिस इज समथिंग, देखिए वी हैव बिन लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री एंड वी हैव बिन स्टिक टू अवर ओन आइडियोलॉजी एंड दिस इज अवर पर्सनल बिलीफ दैट दिस इज द राइट आइडियोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इन अवर डेली लाइव्स, बट एंड एट द सेम टाइम दिस इज द सेम थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द वेरियस इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट अवर हिस्ट्री। सो नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू understand a new concept, so this is something more inconvenient for us to grasp as well as to understand. But again, before teaching you, I made it very clear to you, don't get it confused that this is something which we are going to analyze, and this is something that we need to practice in future.
Just take it as an academic requirement that this concept is going to be taught in the West and it is going to be promoted in a particular perspective. And there's a general approach that the how things that could be taken, how the things that could be taken regarding certain concepts. So that was a just overall understanding. But don't get confused with our personal liking or disliking. ये शलाल अभी तक है हाँ अगर आपको टॉपिक की समझ नहीं है तो दैट इज अनदर स्टोरी लेकिन उसको इस्लाम के साथ कंफ्यूज करके आप टॉपिक को थोड़ा सा चेंज मत करें ठीक है सर कहली मेरे क्वेश्चंस थोड़ा क्वेश्चन की सी अनिहा अनिहा फिर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो चैट में मिल नहीं रहा क्योंकि चैट मेरी ना बिल्कुल ऊपर चली जाती है अनिहा अमीन जी जी वालेकुम सलाम सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमने टॉपिक पढ़े हैं तो पेपर में से रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं और वो क्वेश्चन हमने किस तरह आंसर्स करने बिल्कुल अब वो अभी आंसर करवा देते हैं आप जनाब टेंशन क्यों ले रहे हैं देखिए अगर हम बात करें कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये सारे पेपर में क्वेश्चंस आए होंगे 2016 में आया हुआ कि व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर ठीक है जब हम कहते हैं कि जो थ्योरीज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर हैं तो वो पूरा चैप्टर ही आ गया है तो इसमें हिस्टोरिसाइजिंग भी सेक्स थ्योरी भी जेंडर एक्सप्रेशन भी नेचर वर्सेस नर्चर भी 2018 में आया हुआ है कि कॉम्प्रिहेंसिव एसे सेक्स वर्सेस जेंडर डिबेट इन फेमिनिस्ट फिलॉसफी एंड सोशल साइंसेस रिफ्लेक्टिंग नेचर वर्सेस नर्चर कि जो हमने कहा कि एक तो सेक्स और जेंडर का डिफरेंस है चैप्टर वन का है Yes, sir. हम कहते हैं कि जो सोशल साइंसेज रिफ्लेक्टिंग नेचर वर्सेस नर्चर के किस हद तक रोल नेचुरल है किस हद तक रोल नर्चर है तो जो अभी हमने कंक्लूजन किया कि कुछ प्योरली नेचुरल रोल हैं कुछ प्योरली नर्चर हैं ठीक है कल्चरल हैं और कुछ Yes, दोनों sir. हो सकते हैं ठीक है तो वो सारी अपनी एग्जाम्पल्स देनी है कि किस तरह से चीजें हैं फिर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जेंडर स्टडी हैज अ मल्टीपल मीनिंग्स जब हम कोई थ्योरी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन के प्लेयर को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए सेक्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जब हम उसकी फर्दर इलेबोरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जेंडर स्टडी हैज अ मल्टीपल मीनिंग्स ठीक है तो ये उससे रिलेटेड है कोई थ्योरी ये चैप्टर 4 भी है चैप्टर इसमें चैप्टर 3 भी है लेकिन चैप्टर 2 भी कोई थ्योरी के और सेक्स थ्योरी के और जेंडर एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट्स इसमें ओवरलैप करते हैं ठीक है फिर 2020 में क्वेश्चन आया कि लैंग्वेज इज जेंडर व्हाट दिस सिंपली ये लैंग्वेज इज जेंडर का क्या मतलब है हेटरोसेक्सुअलिटी वर्सेस होमोसेक्सुअलिटी ठीक है इसी तरह जब हम बाइनरी की बात करते हैं कि जब हम कहते हैं कि आइडेंटिटी बाइनरी नहीं होनी चाहिए सिर्फ मेल और फीमेल की तो उसमें सिर्फ ये कहना कि रोल या तो लड़कों वाला होता है या लड़कियों वाला होता है या मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा तो इंटरसेक्स कहाँ पे जाएंगे फिर तो ये है लैंग्वेज इज जेंडर्ड कि हम रोल्स को या तो मेल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं या फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं लेकिन हम रोल्स को न्यूट्रल नहीं देखते ये सारी जेंडर एक्सप्रेशन थ्योरी आ जाएगी गॉट इट ओके 2021 में भी ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन आया कि मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी आर द डीपली एनग्रेव्ड रियलिटी सिंस डिस्टेंस पास्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री डिस्कस वेरियस थ्रेटिकल डिबेट्स ऑन द construction of masculinity and femininity to make it explicit that the formation of the both is either natural social reality support your argument of the real life examples so ye aapne apni life mein jo main abhi maine wo aapko bata raha tha ki ye house wali bank balance wali driving wali aapke sports handling mein examples aapka professional careers ambitions to wo किस हद तक ये नेचुरल है और किस हद तक ये कल्चरल है ठीक है ये सारा उसमें आ जाएगा अनिहा आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू चलिए थैंक यू वेरी मच अच्छा जो आपने बात की नबील तो नबील फुनोवा की जो बुक है वो ले लें मानुला गोंदल साहब की क्वेश्चंस के लिए चाहे मेरी ले लीजिएगा ठीक है Any other questions? Otherwise, I'm going to take start from chapter number 3. Do you have any other question? Okay, no question.
ओके जस्ट होल्ड ऑन. तो कोई बात नहीं कहना, 2:30 पे ना, भी 2:30 तो नहीं हुए ना. ओके, जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, ये चैप्टर थर्ड है और इसमें पढ़ेंगे फेमिनिस्ट थियरीज. अच्छा ये बताइए, ये सीक्वेंस को कंटिन्यू करना है ना, करंट अफेयर के तो अभी नहीं करने. ये आयशा लाल कंफ्यूज हो रही थी, तो क्योंकि ये जो थोड़े से चैप्टर्स हैं वो थोड़े से बड़े लिबरल हैं, जिसकी वजह से लोग समटाइम कंफ्यूज होते हैं. लेकिन चैप्टर 5 से आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे, डोंट वरी. ओके, तो चैप्टर 3 है फेमिनिस्ट थियरीज एंड प्रैक्टिस, और इसका जो सिलेबस है, व्हाट इज फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, साइकोलॉजिकल फेमिनिज्म, मेंस फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म. ठीक है, ये आपका सिलेबस है. और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से, सर मैंने जीएस को बस जीएस तक ही रखा है, नबील अब क्या कहना चाह रहे हो? जी नबील साहब, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग विद नबील. हाँ ठीक है. ओके, अगर हम देखें कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमें, तो 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज फेमिनिज्म, इन व्हाट वे रेडिकल फेमिनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम सोशलिस्ट फेमिनिज्म, और 2018 में व्हाट टाइप ऑफ फेमिनिज्म कैन एलिवेट द सोशियो कल्चर इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान, 2019 में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, और ये जो 2020 वाला लैंग्वेजेस जेंडर, व्हाट डज दिस सिंपली एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, तो ये चैप्टर 3 के साथ भी ओवरलैप होता है. ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म आया हुआ है कि इट इज अ फिलोसॉफिकल वेरिएंट ऑफ द फेमिनिज्म दैट इनकॉर्पोरेट्स एंड एक्सटेंड्स द मार्क्सिस्ट theory analyzes the way in which women are exploited through capitalism and individual ownership of private property, discuss the development of the Marxist social feminism and the philosophical stance they hold to discuss gender issues and exploitations. Psychological feminism is a theory of oppression which asserts that the men have inherent psychological need to subjugate women. As elaborated, give a detailed analysis of the gender oppression and the women's subordination promoted by the psychological feminism. और लास्ट क्वेश्चन है वह के डिस्क्राइब इन टू स्कूल ऑफ थॉट अबाउट फेमिनिज्म इन डिटेल, तो कोई से भी आपने दो लिख लेने हैं. गॉट इट? सो इज इट क्लियर कि इसमें कौन सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं? ओके ओके, अब आ जाते हैं फेमिनिज्म पे. व्हाट इज फेमिनिज्म? व्हाट इज फेमिनिज्म? तो जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, इक्वल राइट्स ऑफ फीमेल्स लिश्वा शागी लिश्वा, ठीक है, तो इन द सिंपलेस्ट टर्म द फेमिनिस्ट इज अ थ्योरी दैट वेमेन एंड मैन शुड बी इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली एंड सोशली. ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि आप उनको इक्वल राइट्स दें, वेमेन और मैन को
इक्वल राइट्स क्या है कि जो मेल है वो इनिशियली समझा जाता था कि सुपीरियर, फीमेल जो थी शी वाज पोस्ड इन अ सबमिसिव रोल, तो उसमें ये था कि शी इज नो मोर योर सर्वेंट, सो कंसीडर फीमेल एज अ ह्यूमन बीइंग, सो दैट वाज अ फेमिनिज्म। ओके, तो जब हम कहते हैं कि फेमिनिज्म की जरूरत क्यों पेश आई, नीड ऑफ फेमिनिज्म, कि जब हम कहते हैं कि फीमेल भी मेल के इक्वल है या फीमेल को इक्वालिटी दी जाए, तो उसके पीछे ये थी कि देयर वाज अ सर्टेन आइडियोलॉजी व्हिच वाज गोइंग टू बिलीव मेन दे आर मोर रैशनल, दे आर द ओवरऑल प्रोटेक्टर ऑफ वेमेन, एंड मेन दे नीड टू बी गिवन मोर एब्सोल्यूट अथॉरिटी। तो उस जो एग्जिस्टिंग नोशन था उसको चैलेंज करने के लिए फेमिनिज्म आया कि फीमेल भी इक्वल है, फीमेल भी उतनी कॉम्पिटेंट और रैशनल है जितना मेल है, तो फीमेल इज शी कैन नॉट बी ट्रीटेड इन अ मोर इनफीरियर वे। ओके, अब उसमें जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि फॉर एग्जांपल यू नो अरिस्टोटल, हु वाज अरिस्टोटल, डू यू नो अबाउट अरिस्टोटल, हु वाज अरिस्टोटल, ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। ओके, तो अरिस्टोटल क्या कहता है कि द रिलेशन ऑफ अ मेल टू फीमेल इज अ बाय नेचर अ रिलेशन ऑफ सुपीरियर टू इनफीरियर एंड ऑफ अ रूलर टू बी रूल्ड। ठीक है, तो इट मींस कि वो कहता है कि ये नेचर ने मेल को सुपीरियर बनाया है। ये थॉमस जेफरसन जो कि पॉलिटिशियन था, अमेरिकन प्रेसिडेंट था, कि वुमेन पोजीशन इन हाउस नॉट इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक ऑफिस, तो दिस इज द सेम थिंग दैट इज गोइंग टू गेट एंडोर्स्ड बाय तालिबान इन इवन टुडे सोसाइटी। सो इनिशियली द सेम कंसेप्ट वाज दैट वाज गोइंग टू बी एंडोर्स्ड इन द वेस्टर्न सोसाइटीज। फिर चार्ल्स डार्विन, वो कहता है कि मैन इज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू वुमेन। तो ये जो डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, डिफरेंट थॉट्स थी, जिसकी बेसिस पे मेल को समझा जाता था कि वो रैशनल है, वो सुपीरियर है, और फीमेल इनफीरियर है और इरेशनल है, उस चीज को नगेट करने के लिए फिर फेमिनिज्म आया। लेकिन फेमिनिज्म से पहले भी प्रोटो फेमिनिज्म आया। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो फेमिनिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो फेमिनिज्म? अच्छा ठीक है, शाबाश। प्रोटो फेमिनिज्म ये था कि जो फेमिनिज्म से पहले जो आइडियोलॉजी आई फीमेल्स की प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको कहा जाता है प्रोटो फेमिनिज्म। तो उसमें जो प्लेटो था, ही वाज आल्सो नोन एज अ प्रोटो फेमिनिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेटो ने ये कहा कि जो फीमेल है, फीमेल का रोल इट शुड बी एक्सपेंडेड, और फीमेल का जो रोल है वो फ्रॉम चाइल्ड केयर टू कलेक्टिव डे केयर होना चाहिए। ठीक है, तो इसने फीमेल के रोल की एक्सपेंशन की बात की प्लेटो। ओके, उसके बाद ओलंप द गूश के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई, तो अगेन फ्रेंच रेवोल्यूशन में ओवरऑल तो बात हो रही थी इक्वालिटी की, लिबर्टी की, ये वो, लेकिन फीमेल को स्टिल उस तरह से इक्वालिटी ना मिल सकी। तो ओलंप द गूश जो थी, इसने फिर एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था द राइट्स ऑफ वेमेन, टेल मी व्हाट गेव यू द सॉवरेन राइट टू ऑप्रेस माय सेक्स। ठीक है, कि अगेन कि आपको किसने कहा है कि, यानी कि एक होता है ना, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो है वो मेल के लिए कानून बनाए या मेल को सर्टन एडवांटेजेस दे, तो फिर उसने एक अवेयरनेस के लिए फीमेल में लिखा कि मेल को किसने राइट दिया है कि वो फीमेल को जो उसके पोटेंशियल्स हैं, उसकी आइडेंटिटी है, उसको वो सप्रेस करे। फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल को जॉब में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, अगर जो फीमेल के लिए बेटर लेजिस्लेशन नहीं बनाई जाएगी, अगर फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे, अगर फीमेल को जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इक्वल स्पेस नहीं मिलेगी, तो इस चीज पे फिर उसने आर्टिकल लिखा कि व्हाट गेव यू द सॉवरेन राइट टू ऑप्रेस माय सेक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज सेक्स के बेस पे नहीं होनी चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड से पढ़ लेंगे, अब हमें टाइम दे दें 8 मिनट रखने। ओए कोई ब्रेक नहीं, चलो पढ़ो, शाबाश, अच्छे बच्चे बनो। अभी मैंने आपकी तारीफें कर रहा था कि आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, तो तुम नाल ही ब्रेक का रोला पा देते हैं। नो 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 एक्सक्यूजेस। ओके, तो एलम द गूश ने उसको
नगेट किया कि ये ठीक नहीं है. फीमेल्स को राइट फीमेल्स को राइट चाहिए. मैं आपकी बात समझा नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा. नहीं आ रहा समझ, वकी नहीं आ रहा. अच्छा, आपको तो बाकी समझ नहीं आ रही. चलो 7 मिनट और पढ़ लो, फिर उस तो बाद में समझ आया तो फिर क्लास बंद कर देंगे. ठीक है, 7 मिनट और देखते हैं आपको समझ आती है कि नहीं आती. अगर 7 मिनट तक आपको समझ ना आई तो ब्रेक कर देंगे. ब्रेक मीन्स कि उसको एंड कर देंगे सेशन को. ठीक है, अच्छा चले फिर, चले ठीक है. अगली स्लाइड कौन सी है? अच्छा चाहिए, ये लास्ट स्लाइड कर ले. ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है. तो फिर इसमें ये जो मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट है, इसने एक बुक लिखी, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन, 1792 में. अगेन इसने कहा कि जो फीमेल है, द मेल परसूस, कि वो गोल करता है, एम करता है, एंड द फीमेल फील्स, कि फीमेल को टूल यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू परसू हिज गोल्स. दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर एंड इट डजंट अपीयर टू बी सस्पेंडेड और एब्रोगेटेड इन फेवर ऑफ वुमेन. कि उसने इस चीज पे हाईलाइट किया कि ये लॉ ऑफ नेचर के तौर पे लिया जाता है कि मेल हमेशा उसका मास्टर्स का होगा और फीमेल उसकी प्रॉपर्टी होगी, और इसमें कोई भी जो है वो इस तरह का नहीं लग रहा कि इसमें कुछ तब्दीली की जा सकती है या इसको कुछ चेंज किया जा सकता है, और इसको लॉ ऑफ नेचर के तौर पे लिया जाता है कि मेल हमेशा सुपीरियर है. तो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन में मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने चीज को हाईलाइट किया कि फीमेल को अपावर किया जाना चाहिए. सो दीज राइटर्स दे वर द प्रोटोफेमिनिस्ट. गॉट इट? चलें अब हम करेंगे कि फिर फेमिनिज्म के बारे में किस तरह से आइडियोलॉजी प्रमोट हुई. तो यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर. ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस बिफोर वाइंडिंग अप द सेशन? आयशा लाल, मेरा ख्याल है कि अगला लेक्चर आयशा ने ना एनवायरमेंटल साइंस का लेना है. तो पंजवें तो फिर कहेगी कि सर मैं तीजा छड्या, चौथा छड्या, पंजवें तो आ गई. दैट वाज जस्ट अ लेटर नोट. ठीक है सर, बायोलॉजिकल सर. अच्छा नहीं, पिछला क्वेश्चन था. चले ओके, थैंक यू वेरी मच. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन. नो क्वेश्चन. चले थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस वीकेंड.